हेलो दोस्तों तो जोग्रफी के प्री क्योर की शुरुआत करते हैं दिस सेशन इज गोइंग टू बी थोड़ा सा लंबा सेशन होगा आज बिकॉज लास्ट uh, जो आपका जोग्रफी का प्रीक्योर है वो तीन हफ्ते पहले आया था सो मैडम डन हीज आई एव कंपाइल्ड एवरी थिंग फ्रॉम पास थ्री वीक्स अंटिल फर्स्ट राइट तो उसके बाद का जो भी कॉन्टेंट है वो हम अगले हफ्ते कवर करेंगे ठीक है तो पहली न्यूज आपका क्या कहती है कि श्रीलंका ने ऑफर किया है इंडिया और जापान को कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को जो है डेवलप करने में श्रीलंका की मदद की जाए सिंपल सी बात ठीक है अब बिफोर आई कम टू द न्यूज कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल क्या है इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझेंगे व्हाट आई वांट यू टू नो इज जोग्राफी के परस्पेक्टिव से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दैट इज पोर्ट्स के नाम पोर्ट ऑफ हम्बन पोर्ट ऑफ ट्रिकोम्बनी पोर्ट ऑफ कोलंबो एंड पोर्ट ऑफ गैले तो ये जो पोर्ट्स हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दे कैन गिव यू द नेम्स ऑफ द पोर्ट एंड दे कैन गिव यू द कंट्रीज एसोसिएटेड विद इट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन हियर इज पोर्ट ऑफ हंबनतोटा ठीक है सो यू विल हैव टू जस्ट सी कि कौन सा पोर्ट है एंड एसोसिएटेड कौन सी कंट्री सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज एक्सपेक्टेड ठीक है अगली चीज़ अब अगर मैं न्यूज़ से वापस जाऊं तो न्यूज़ में हमें क्या कहा गया है कि इंडिया और जापान को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है डेवलप करने की बात की गई है अब ये वेस्ट कोस्ट टर्मिनल अगर मैं आपको दिखाऊं तो पोर्ट ऑफ कोलंबो से एसोसिएटेड है सो so, पोर्ट ऑफ कोलंबो में जितने भी टर्मिनल्स हैं उनमें जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है उससे इंडिया और जापान को एसोसिएट करने की बात है अगर मैं थोड़े और बैकग्राउंड पे जाऊं तो इनिशियली जो है सो ईस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है इंडिया को उससे एसोसिएट होना था लेकिन ईस्ट कोस्ट टर्मिनल डील टू चाइना ठीक है तो अब क्या है अब ईस्ट कोस्ट टर्मिनल जब इंडिया से ले लिया गया तो उसको कॉम्पनसेट करने की बात भी की गई कि ईस्ट कोस्ट टर्मिनल ना सही लेकिन हम इंडिया को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है वो ऑफर करेंगे नाउ दिस इज वॉट नाउ और आल्सो हाउ द कॉम्पनसेशन ज गोइंग टू बी दैट जब इनिशियली ईस्ट कोस्ट टर्मिनल की बात थी तो श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के पास मेजर स्टेक था दैट फिफ्टी वन परसेंट लेकिन अब जब यह चीज श्रीलंका को दे दी, दी गई और इंडिया के पास जब दूसरा पोर्ट आने की बात हो रही है दूसरा टर्मिनल आने की बात हो रही है तो इंडिया का स्टेक भी बढ़ा दिया गया है अगर अगर आप देखें तो इंडिया और जापान को कलेक्टिवली एटी फाइव परसेंट स्टेक दिया गया है यानी कि बहुत कम स्टेक है जो श्रीलंका के पास अब रह गया है लेकिन ऑब्वियसली ये जो स्टेक है इंडिया और जापान में किस तरह से डिवाइड

जो यहाँ इम्पोर्टेंट है दैट इज की चाइना शायद ये कोशिश कर रहा है कि चाइना की पूरे सॉरी श्रीलंका शायद ये कोशिश कर रहा है कि जितना भी श्रीलंका के आसपास के रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको भी काउंटर किया जाए चाइना जो है अपने आसपास के जो नेबर्स फॉर एग्जांपल इंडिया को इंडिया से अपने रिलेशंस स्ट्रेंथन करके सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि श्रीलंका ऐसा क्यों कर रहा है बिकॉज श्रीलंका एक्चुअली वांट्स टू बैलेंस द दाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस या चाइनाज इंक्रीजिंग रीजनल इन्फ्लुएंस नियर द रीजन ठीक है पहली चीज दूसरी चीज अब ना पहली चीज में याद रखना कि अगर आप यहां देखो इट इज बींग सीन एज एन अटेम्प्ट अब इंटरनेशनल रिलेशन्स में आप कभी ही नहीं लिखते इट इज बिकॉज ऑफ दिस दिस मे बी अ रीजन बिकॉज दीज आर थ्योरीज जो कि डिफरेंट न्यूज पेपर्स में आती हैं सो दिस पर्टिकुलर ऑफर इज बिंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू बैलेंस कि जो चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसको कोशिश की जाए इंडिया के सपोर्ट से बैलेंस करने की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो इन न्यूज़ में रही है कि रेजोल्यूशन थर्टी स्लैश वन अब ये थर्टी क्या है थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ आपको कोई लिखने के लिए नहीं आएगा आपको बस बेसिक आपसे पूछ सकता है कि किस चीज से एसोसिएटेड है सो so, आपकी जो है श्रीलंकन सिविल वॉर है ठीक है श्रीलंकन सिविल वॉर चली आपकी नाइनटीन टू टू तक ठीक है तो इस वॉर में बेसिकली क्या हुआ आपका एक ग्रुप था विच वॉज कॉल्ड एल टी टी एल टी टी स्टूड फॉर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम आप याद रखिए सो ये बेसिकली क्या चाहते थे दे बेसिकली वॉन्टेड अ इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका सो इनके अकॉर्डिंगली वॉट वॉज कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट वॉज डोमिनेटेड नॉट बाय दीज पीपल बट बाय अ स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप कॉल्ड सिन्हालीस राइट तो तमिल गवर्नमेंट क्योंकि सिन्हालीज द्वारा डोमिनेटेड थी तो एल के अनुसार सिन्हाीज ने हमेशा ही एल को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई है उनको हमेशा जीनोसाइड करने की कोशिश की गई है उनके अगेंस्ट वॉयलेंस किए गए हैं ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन किए गए हैं वॉर क्राइम्स किए गए हैं इट right? तो ये जो है ये पूरी सिविल वॉर चलती रही एक तरफ एल एक तरफ सिन्हालीस राइट right? इवेंचुअली क्योंकि सिन्हा के पास गवर्नमेंट सपोर्ट था तो दे एक्चुअली कुड कंट्रोल द होल मूवमेंट इवेंचुअली इन 2009 लेकिन इस पूरे समय में जितने भी वॉर क्राइम्स हुए जेनोसाइड्स हुए ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हुई समबड़ी हैजू आंसर फॉर दैट सो दिस इज वॉट हैज़ हैपन्ड कि फाइनली एक रेजोल्यूशन लिया जा रहा है जिसमें कोशिश की जा रही है कि श्रीलंका एक क्रेडिबल जुडिशियल प्रोसेस चलाए जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी लोग सोनहालीस गवर्नमेंट से या उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं जिन्होंने भी एल के अगेंस्ट ये सारे वॉर क्राइम्स किए हैं उनको जो है पनिश किया जाए जो भी अब्यूज हुए हैं उनके लिए जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो प्रोसिक्यूटर्स हो डिफेंस लॉयर्स हो एंड इस पूरे इशू को अडियर किया जाए अब ये जो पूरा डिस्कशन है या ये जो मुद्दा है कि ये एक क्रेडिबल जुडिशियल प्रोसेस हो दिस इज रेफर टू इन रेजोल्यूशन थर्टी स्लेशन सो इंडिया ने क्या किया ऐसा नहीं है कि बहुत नई दो हजार 2012 में जब इसकी बात हुई तो इंडिया ने श्रीलंका के, तो so तो के लिए बात आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा कहीं ना कहीं श्रीलंका ये भी चाहेगा कि इंडिया उनके फेवर में वोट करे इसलिए भी इवन दो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है इंडिया से ले लिया गया था इंडिया को उसके एवस में वेस्ट कोस्ट टर्मिनल देने की बात है ठीक है जब भी आप एक आई आर का आंसर लिखोगे ठीक है तो मैंने तो चलो आपको कहानी बता दी ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिमाग में रहे यू कैन रेफर टू दिस रेजोल्यूशन राइट दैट दिस कुड बी सीन एज एन अटेम्प्ट बाय कोलंबो एज एन अटेम्प्ट बाय श्रीलंका कि जो ये रेजोल्यूशन है इसमें इंडिया उनके फेवर में वोट करे बिकॉज दो में इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया और अगली बार जब वोटिंग हुई तो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ठीक है सो दिस कुड ऑल्सो भी वन ऑफ द रीजन तो आप देख रहे हो कभी भी ऐसी जो चीजें आती हैं हर एक आर्टिकल में आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं ऑल टू डू इज कीप ऑन राइटिंग दीज पॉइंट सो यू शुड हैव अ शीट फॉर इंडिया श्रीलंका एंड वहां पे आप इन चीजों को लिख सकते हैं ठीक है चलिए सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ठीक है आपको पोर्ट याद होना चाहिए आपको रेजोलूशंस के बारे में पता होना चाहिए और दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कभी कभी ना आपको क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया और जो सार्क नेशन है या इंडिया के एडजस्ट नेशन है इंडिया में उन, उन नेशन्स में इंडिया का दबदबा कम हो रहा है या आपको लगता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो आप वहाँ पर इनको कोट करेंगे ये डेफिनेटली चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लेकिन इंडिया की सिग्निफिकेंस अभी भी है एंड यू कैन कोट बोध दीज पॉइंट वहाँ पर ठीक है आई होप यू गेट माई पॉइंट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम एज प्री पढ़ रहे हैं यही चीजें आप मीनस में कोट करेंगे ठीक है उल सुप्री में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेजोल्यूशन थर्टीज लास्ट रन जो है किससे एसोसिएटेड है लेकिन गिव यू फुल नेम अबाउट इट ठीक है जी चलिए अगली न्यूज पे आते हैं उइुर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा न्यूज़ में रहता है सो so, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से एसोसिएटेड हैं बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आ, इनके बारे में सो so, कहा जाता है कि आ, देर आर देर आर डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स फो दैम इन चाइना तो इस प्रोसेस इस को थोड़ा समझते हैं थोड़ी न्यूज को बेसिकली समझते हैं पहली चीज़ जो आपको जोग्रफी में आएगी जो पहले पूछी भी गई है उन्ड आगे they have written the, uh, जो कि जगह है वो एसोसिएटेड हैं दैट इज प्रोवेंस हो सकता है आपको चाइना भी लिखा हुआ आ जाए तो हमेशा ही एग्जाम में दो तीन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको uh, याद रखना पड़ता है so, सो ये जो उर्गुर मुस्लिम्स हैं ऑल दो दे आर इन चाइना है ना लेकिन इनकी एथनिकिसिटी जो है वो चाइना जैसी नहीं है इनकी एथनिसिटी जो है सेंट्रल और ईस्ट एशिया जैसी है रादर जो आसपास के टर्किश रीज़न्स हैं रीजन्या एशियन और रीज़न्स हैं उनके जैसी है सो so बेसिकली ये मैंड्रन भी नहीं बोलते राइट सो right? so इनको एशिया में एथनिक uh, माइनॉरिटी sort of माना जाता है सो देर नॉट कंसिडर टू बी एज डायरेक्टली चाइनीज बट दे कंसिडर टू बी से की जो आस पास के रीजन हैं उनसे ज्यादा एसोसिएटेड माना जाता है ठीक है सो बैकग्राउंड अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ सो जिंगज्यांग जो है दिस इज नॉट लाइक एन ऑटोनोमस रीजन विथ चाइना ठीक है उलिम जो है ये मैंडर बोलते ही नहीं है उनकी अपनी एक अलग नेटिव लैंग्वेज है तो ये जो जिंज्यांग प्रोवेंस है ये इनिशियली बहुत ज्यादा नहीं न्यूज में था लेकिन आ, कुछ पास फ्योर डेकेड्स में व्हाट हैपन यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई यहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आ गई इससे क्या हुआ वहां चाइना के जो मेन रेजिडेंट है हान चाइनीज उन्होंने वहां जाके सारी की सारी जॉब्स ले ली तो अल्टीमेटली क्या हुआ वहाँ रेजिडेंट तो बेसिकली उइगुर मुस्लिम्स थे लेकिन काम किसको मिला इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद भी जो जॉब्स है वो किसको मिली वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस विच इज योर हान चाइनीज इसीलिए वहाँ के उइगुर मुस्लिम्स को लगा कि डेफिनेटली उनकी जो आइडेंटिटी थी या लाइवलीहुड थी दैट वॉज अंडर थ्रेट सो लॉर्ड ऑफ वॉयलेंस हैजॉप्टेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है अब इसी वॉयलेंस को Uh, देखते हुए बेइजिंग कहता है कि उइगुर मुस्लिम जो हैं दे वांट टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों क्योंकि उनकी एथनिसिटी या जो कल्चरल टाइज है वो हमसे ज्यादा टर्किश रीजन से मिलते हैं सेंट्रल एशियन रीजन से मिलते हैं राइट तो इस वजह से हमेशा ही उनको uh, उनसे एसोसिएटेड वॉयलेंस से ही आप एसोसिएटेड आप न्यूज देखोगे लेकिन रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिनमें ऐसा कहा गया है या राधर उनमें बहुत सारे चाइनीज लीडर्स की डिस्कशंस हैं जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो जिंगजियांग रीजन है दिस इज़ वेरी फेमस यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स चलाए जा रहे हैं दैट पीपल आर बिंग फोर्स टू बिकम चाइनीज और ये जो अपनी कल्चरल एथनिसिटीज़ हैं जो उनकी कल्चरल लिंक्स है, उनको तोड़ने को सिखाया जा रहा है तो इस लेकिन चाइना कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दीज आर नॉट डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स ये जो है एजुकेशनल सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोगों को या जितने भी लोग हैं जिनके जो एक्सट्रीमिस्ट थाट्स हैं जो रेडिकल हैं या उन्हें क्योंकि वो लगता है कि वो चाइना से ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है लेकिन टर्किश रीजन्स या बाकी सेंट्रल एशियन से रीजन से एसोसिएटेड है तो उनके इस थाट को कम करने के लिए दीज आर मोर लाइक एजुकेशन कैंप्स ताकि वो इंक्लूड हो जाए इन दी चाइनीज पॉपुलेशन और ज्यादा इंक्लूसिव करने की कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन आर ऑफ न्यूज़ आइटम्स और जिनमें कहा जा रहा है कि नहीं हैव बिन uh, uh, इस तरह के कैंप्स कैंप्स नहीं है बल्कि वो डी हैं तो कहानी आपको समझ में आ गई बस आपको थोड़ी सी कहानी याद रखनी है पेपर में आपको कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी लेकिन एटलीस्ट लेट्स नॉट रीड इट ब्लाइंडली एटलीस्ट अब हमें याद रहेगा कि मुस्लिम्स हमें याद रहेंगे हमें चाइना का रीजन भी याद रहेगा ठीक है जी सिंपल था चलिए अब क्योंकि ना ऐसे लोगों की बात हो रही है वो बिन sort of हमेशा सो आई वांट टू डिस्कस अबाउट से एसोसिएटेड है एवरीबडी नोस राइट तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएस में पूछा हुआ है कि रोहिंग्याज आर एसोसिएटेड विथ और उन्होंने कंट्रीज पूछी हुई थी सिमिलरली एक और जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है वो है हजाराज राइट right? ये आपके अफगानिस्तान से एसोसिएटेड है तो ये तीनों ही आप लिख लीजिए कम एज मैच द फॉलो ठीक है अब क्योंकि हम परसिक्यूटेड uh, कम्युनिटीज या रेफ्यूजीज माइग्रेंट्स इनकी हम हमेशा बात करते हैं तो आई वॉन्ट यू टू नो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज से एसोसिएटेड है तो एक बहुत सिंपल सा अगर मैं लेमा टर्म्स में आपको डिफरेंस बताऊँ तो माइग्रेशन जो है दैट कुड बी आउट ऑफ योर ओन विलेस एज वेल पर रेफ्यूजीज क्या होता है आपको यूजली अपनी जगह से निकाला या खदेड़ा जाता है जैसे कि रोहिंग्यास के साथ हुआ राइट एनी वेज आगे बढ़ते हैं आगे हम रोहिंग्यास के बारे में कुछ और भी देखेंगे बट आई वॉन्ट यू टू नो द रूल्स फर्स्ट है ना जो या कोई कन्वेंशन हो या कोई कॉम्पैक्ट हो तो माइग्रेंट्स के लिए एक कॉम्पैक्ट है विच इज कॉल्ड ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन तो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटलेशन होगी किस तरह से डील किया जाएगा एंड दिसर यूनाइटेड कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन जो है दैट इज एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट वाई इंटर गवर्नमेंटल ट्राई पार्ट आइट अग्रीमेंट ट्राई पार्ट आइट में क्या होगा सरकार डिफरेंट लोक एसोसिएट होंगे नॉट ओनली सरकार बट एनजीओ एन अदर ऑर्गनाइजेशन इज वेल एक आपका कॉम्पैक्ट है विच इज ऑन रेफ्यूजीज इज वेल विच इज डिफरेंट राइट सो बेसिकली ये भी यूएन uh, के ने ही अफर्म किया है यूएन ने ही पुट इन प्लेस किया है लेकिन दिस इज मोर लाइक अ रेफ्यूजी रिस्पॉन्स मॉडल कि मान लीजिए जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं रेफ्यूजी बन के वो कैसे केटर करेंगी जिस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं हाउ विल दे गेट दम बैक किस तरह से ओरिजिन कंट्री में उनका जो अगर कभी वापस जाने की बात है किस तरह से उन्हें सेफ वहां पर किया जाए मान लीजिए दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक तो जिस कंट्री में वो गए हैं जो होस्टिंग कंट्री है वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि ये लोग वहां जाके सेल्फ रिलायंट हो जाए राइट और मान लीजिए कि किसी और कंट्री से भी कोई एसोसिएशन चाहिए हो, किसी थर्ड पार्टी से उसके लिए भी यहां पे बात होती है ठीक है जी चले दे समिंग कॉल्ड ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम इज वेल फोरम्स क्या होती हैं यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं मोर्ड एक अ प्लेटफॉर्म या पैराडा ठीक है पोडियम्स जिन्हें कहते हैं तो हर चार साल में ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम होती है जहाँ पे पीपल डिस्कस कि क्या गुड प्रैक्टिस हैं जो कि रेफ्यूजीज के साथ होनी चाहिए फिनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है टेक्निकल एक्सपर्टीज पॉलिसी चेंजेस जो किसी कंट्री ने की हो सो बेसिकली हर कंट्री जो है अपने जो है इशूज या अपने जो गुड प्रैक्टिस हैं या लेसन लर्न जो है डिस्कस करती है ठीक है जी एक और है आपका दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज सो दिस इज बेसिकली यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी है जो कि रेफ्यूजीज जो है जो कि डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है राइट एंड इट इज हेडक्वार्टर इन जनीवा स्विट्जरलैंड तो ये चारों एटलीस्ट तो आपको पता होने चाहिए इनका रीजन एक और भी है कभी भी आपको रेफ्यूजीज पे क्वेश्चंस आ जाए आजकल तो एनआरसी सी ए कितना ज्यादा न्यूज में है तो कभी रेफ्यूजीज माइग्रेंट्स पे क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं माइग्रेंट्स या रेफ्यूजीज को केटर करने के लिए तो आप ये सारे के सारे जो भी फोरम्स हैं कॉम्पैक्ट्स हैं या एजेंसीज हैं उनको आप लिख सकते हैं बेटर वे ऑफ राइटिंग इट इज रादर देन राइटिंग डायरेक्टली ऐसे चार पॉइंट्स आप लिखिए कि कुछ कॉम्पैक्ट्स हैं राइट कुछ आपके फोरम्स हैं और कुछ आपकी एजेंसीज हैं राइट right? तो आप देख रहे हो सिंपल सी चीज को आपने तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया एंड यू कैन राइट अबाउट देम ठीक है जी याद रहेगा चलिए अगली न्यूज पे आते हैं न अगली न्यूज है आपकी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स डैम्स क्यों बता रही हूँ मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि रिसेंटली एक स्टडी आई है सेज कि इंडिया में जो डैम्स हैं दे आर मोर देन फिफ्टी ईयर ओल्ड जिसकी वजह से दे आर एजिंग राइट बूढ़े हो रहे हैं डैम्स तो होता क्या है कि जितना एज होंगी उतना ही उनकी रिपेयर पे खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है जो कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है सो so, इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है

इसको मैं आपसे कोट करने का एक और रीजन भी है कभी कभी आपसे ना क्वेश्चंस आते हैं जैसे आज आप देख रहे हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बहुत ज्यादा बात है आजकल न्यूज में डैम्स की बहुत ज्यादा बात है तो कभी इन इनपे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन जो कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन डैम ने दी है राइट right? सो so, ये जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं दीज ऑल्सो यू मार्क्स ओके okay, जी अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं तो इनकॉइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आपका सो इनक्वाइज बेसिकली क्या है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशानिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज अगर आपको नहीं भी पता ना नाम से पता चल रहा है ये ओशन से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बेसिकली ओशन से एसोसिएटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या एडवाइजरी है वो देते हैं मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है एज पर लेट्स से ट्परेचर या अगर सुनामीज या कोई साइक्लोन्स आ रहे हैं एवरी थिंग एसोसिएटेड या रिसोर्स से एसोसिएटेड सो दैट जितनी भी ओशन की अंडरस्टैंडिंग है वो इवेंचुअली रिसर्च के द्वारा बढ़ाई जा सके पहली चीज दूसरी चीज कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं इट्स ए स्टैचुटरी बॉडी इट इज एन नो एनजीओ इस तरह में तो आपको बताना चाहिए इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी ठीक है अभी न्यूज में क्यों थी बिकॉज रिसेंटली इंक्वाइज ने बोला है कि जो ये ओशन रीजन है ओशन में जो अगर आप आइलैंड देखो अंडमान एंड निकोबार उनका जो है वो एयरलाइन मैपिंग करना चाहते हैं पूरा का पूरा आइलैंड को मैप करना चाहते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट दिल हैव टू मैप दी होल आइलैंड तभी तो वो उससे एसोसिएटेड सर्विसेज दे पाएंगे है ना तो ये चीज़ जो है बहुत ज्यादा न्यूज में थी नाउ व्हेन यू गेट सच क्वेश्चंस कि इंडिया रिसोर्सिस को या मान लीजिए मरीन रिसोर्सिस को लेट्स से कि की uh, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के स्टेप्स ले रहा है या इंडिया इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी है या जो बे ऑफ बंगाल या लक्षद्वीप है इन सब रीजन्स में अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को कोट करेंगे ऑब्वियसली इनक्वाइज़ अगर आपको कोई इंफॉर्मेश देगा

अगली चीज पे आते हैं ब्यास रिवर न्यूज में थी रिसेंटली रिपेयर वर्क होना है uh, तो बिकॉज ऑफ दैट जो ब्यास रिवर से दिल्ली में पानी आ रहा है राइट right? उसको रोका जा रहा है सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि सम रिवर इज इन न्यूज एंड यू शुड नो अबाउट इट सो अगर आप ब्यास को देखो दिस इज देयर तो अगर आपने एनसीआर फॉलो की है आपको पता है कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है तो अकॉर्डिंग टू एन सी आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है दैट इज ब्यास को नियर रोहतांग ना हो सकता है कि कई बार अगर आप लोकल रेजिडेंट हो उस रीजन के आसपास के तो आपको कोई लोकल नेम्स भी पता हो सकते हैं लेकिन हमने वही नाम याद करने हैं जो कि एनसीआर कहता है ठीक है जी याद रहेगा चलिए अगली न्यूज पे आते हैं तो रिसेंटली या आइलैंड्स वरी न्यूज ये चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है पहली चीज कौन से सी में आते हैं याद रखिएगा ईस्ट चाइना सी में आते हैं ये आईलैंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आइलैंड्स तो बढ़ लेते हैं लेकिन कौन से सी में आते हैं हम यही पढ़ने की कोशिश नहीं करते वेरी तो इसको मैं समझा देती कि सो ऐसा है कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर सर्टन रीजन वर गिवन बैक टू चाइना चाइना के अकॉर्डिंगली ये जो हैं हमेशा से ही उनके अंडर थे एंड

ठीक है अब चाइना जो है वो तो कह रहा है कि भाई क्योंकि ये आइलैंड्स हिस्टोरिकली मेरे पास थे मेरे पास ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में वापस आने जाने चाहिए थी लेकिन जापान कह रहा है कि दीज आइलैंड्स वर गिवन टू यूएस राइट एंड नाउ दे हैव गिवन बैक टू अस हमारी यहाँ पे टेरिटरी है ऑल्सो जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहता है कि चाइना ने जो ये इशू है कि ये रीजन चाइना का है ये बहुत ही रिसेंटली उठाया है कपल ऑफ डेकेट बैक ओनली व्हेन इस ईस्ट चाइना सी के रीजन इन आइलैंड्स के पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलने लग गए हैं और जैसे ही किसी भी जगह की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ती है चाइना स्टार्ट क्लेमिंग दैट पर्टिकुलर रीजन आज दोन तो जापान के अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन ओनली इन पास्ट सम डेकेज चाइना ने वहां पे अपना रीजन uh, क्लेम किया है लेकिन चाइना के अकॉर्डिंगली क्योंकि वो हिस्टोरिकली उनके पास थे इसलिए उनका ही वहां पे हक होना चाहिए नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो इज कि यूएस uh, जापान में एक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था जो 1960 में हुआ था, कि यूएस ने बहुत सारी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है में तो लेट्स से कल को सिंकाको या पे कोई भी इशू होता है तो यूएस किसकी साइड लेगा ऑब्वियसलीपान की बिकॉज जापान में उनकी मिलिट्री बेसिस है एंडल अग्रीमेंट वेल सो दिसमेंबर वाई यू राइट यूर आंसर ठीक है सो यूएस obviously irrespective of whose claim it is US का अपना strategic interest भी है Japan के उन islands को Japan का support करने के लिए

एरिट्रिया एंड जिबूती तो ये तीनों जो है आप याद कर लीजिए डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के लिए ठीक है फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें सितानती उदांति टाइगर रिजर्व वज इन न्यूज़ इनके जो ट्राइबल्स हैं इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट देने की बात ही दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज दॉन्ट यू टू द पोजिशंस ठीक है तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है ये और अगर मैं आपको दिखाऊँ सतान्ती एंड उदांति दो डिफरेंट जगह हैं राइट right? और भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट जगह दिखाऊं अचना कमार आपने बहुत बार पढ़ा होगा अचना कमार आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको इनकी भी पता होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमेशा कहती हूँ यूपीएससी हर साल देता है तो अगर मैं और भी टाइगर रिजर्व बताऊं अचना कमार इंद्रावती दोनों ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड आपको पता होने चाहिए नो इट बी डायरेक्ट क्वेश्चन की दे यू नेम ऑफ टाइगर रिजर्व एंड वो आपको एसोसिएटेड स्टेट चूज करने को कह सकते हैं ठीक है जी चलिए तो कोशिश यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों वो सारे डिस्कस कर लें न्यूज जिसमें चेरापूंजी में, में रेनफॉल डिक्लाइन हो रही है बहुत ज्यादा न्यूज में था तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल हमेशा से कहा जाता था चेरापूंजी में होती है राइट अगर आप देखें ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है और यहाँ पे चेरा पूंजी है बट इवेंचुअली बहुत सालों से चेरापूंजी और मासेरान में फ्लक्चुएट हो रहा है सो सर्टन ईयर मासेरान में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है सर्टन ईयर चेरापूंजी में होती है बट दे ऑब्वियसली रेनफॉल इज डिक्लाइनिंग और इसके ना दो रीजन बताए गए हैं रिपोर्ट्स में पहला है इंडियन ओशन में टेम्परेचर बदल रहा है राइट जिस वजह से जो हवाओं से जो मॉइस्चर जाता है मानसून के समय में उसमें ऑब्वियसली रेनफॉल कम होती है राइट मॉइस्चर ही इट्सल्फ कम होता है Gracias. दूसरा वन वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है यहां पे राइट ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है अगर आपने अपनी एनसीआरटीज पढ़ी है ना आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट इन बर्न एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती जिसे है जिसे झूम कल्टिवेशन कहते हैं राइट जिसकी वजह से जितने भी वहां पे फॉरेस्ट रीजन है या लैंड हैं उनको खाली कर दिया जाता है उनको यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ विच वहां पे प्रोडक्टिविटी uh, जो है वेजिटेशन लेस हो रही है जिसकी वजह से भी वहां पे जो uh, बारिश है वो कम हो रही है सो दिस कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि रेनफॉल कम हो रही है शराब पूंजी में उसके रीजंस क्या है कभी भी आपको मेंस में अगर क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्लाइमेट uh, चेंज हो रहा है एक्स वाई ही व्हाट आर द रीजंस वहां पे आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट हम इंडिया में डायरेक्टली यही नज़र आ रहा है कि ऐसे रीजन्स जहां पर इंडिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती थी वहां पर भी रेनफॉल पैटर्न हैज़ बिन डिक्लाइनिंग तो ये चीज़ें जो है आप इंट्रोडक्शन में मेन मेंशन कर सकते हो नाउ आई मोटो डॉक्टर वेरी स्पेसिफिक पॉइंट कि जो मासेरान चेरापुंजी रीजन है ना यहाँ पे ऑल दो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है बट यहाँ पे आप साल भर देखना स्टेट में वाटर शॉर्टेज ही रहता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए हो क्यों रहा है क्योंकि यहाँ की जो जमीन है राइट उसमें पानी नीचे रिश्ता नहीं है सो इट डजेंट अ लॉट ऑफ पोर्स इस वजह से पानी जो है जमीन के अंदर इकट्ठा नहीं होता बल्कि आगे फ्लो कर जाता है रिस नहीं पाता जमीन में इस वजह से ऑल दो रेनफॉल ज़्यादा है स्टिल वाटर शॉर्टेज हमेशा ही रहती है ठीक है, सो ये जो छोटी छोटी चीजें दोस्तों ये हमें जोग्राफी के परस्पेक्टिव से पता होनी चाहिए ठीक है चलिए अगली न्यूज पे आते हैं आपकी कार्बन वॉच ऐप तो नाम से पता चल रहा है कि कार्बन वॉच कर रही है यानी कि बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को देख रही है ठीक है तो सबसे पहले समझ लो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट होता है कि द अमाउंट ऑफ ग्रीन गैसेस जो कि एटमोस्फेयर में रिलीज हो रहा है बाय पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी राइट उसको आप कार्बन फुटप्रिंट कह रहे हो तो चंडीगढ़ में जो है एक रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जो असेस कर सकती है कि, कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कितना कार्बन फुट जो है वो जनरेट हो रहा है तो कैसे पता लगेगा बेसिकली जो इंडिविजुअल है ये अपने से एसोसिएटेड डेटा उस एप में फीड

ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्री सॉरी बाकी स्टेट्स में इनको एक्सेस uh, नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली कहीं भी कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली चंडीगढ़ रेजिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं क्योंकि वहीं पर इनिशली uh, इसकी बात हो रही है ठीक है जी चलिए सो यू कैन को दीज ऐप जब भी आपसे पूछा जाए मान लीजिए जा आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है अपने एस को या जो भी एनवायरमेंटल प्लेजेस हैं उनको uh, पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है हाउ फार डू यू थिंक इंडिया हैज़ गॉन या हाउ फार डू यू थिंक इंडिया सक्सेसफुल अब हमें वहाँ पॉइंट्स पता नहीं होते क्यों बिकॉज वी डोंट रिमेंबर दीज पॉइंट्स दिस इज वॉट यूल डेफिनेटली इंडिया एक स्टेप अहेड है बिकॉज इंडिया इज टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स एट नेशनल लेवल डिफरेंट चीजें हैं एट स्टेट लेवल एट लोकल गवर्नेंस डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट सॉरी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में तो आ ही सकता है नेक्स्ट चीज पे आते हैं सो दर इज दिस नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो कि बजट 21-22 में अलाउंस हुआ है ये बेसिकली क्या चाहते हैं हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स यूज हो इसका एक पूरा रोड मैप है हाइड्रोजन को स्पेसिफिकली अब हाइड्रोजन को जनरेट करने की बात है फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेस राइट अब ध्यान देना जरूरी नहीं है हाइड्रोजन सिर्फ ग्रीन पावर रिसोर्स से ही बने कुछ हाइड्रोजन है जो फॉसिल फ्यूल से मिलता है उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं कुछ ऐसा हाइड्रोजन uh, है जो फॉसिल फ्यूल से तो मिल रहा है

जो हाइड्रोजन है राइट right? उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इंडिया को जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात की ना आपके दिमाग में आना चाहिए आत्मनिर्भर भारत कि दिस इज वॉट द गवर्नमेंट हैज बिन पचिंग फॉर राइट सेल्फ रिलायंट इंडिया तो कभी भी आपको आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस रेशियो पे या सरकार ने क्या स्टेप्स लिए क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इसे कोट कर दीजिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कोशिश की जा रही है कुछ इनोवेटिव uh, करने की विच इज दिस ठीक है जी याद रहेगा अब यहां पे जो मैं आपसे कह रही थी आत्मनिर्भर भारत इन इंडिया इसका ये पार्ट होगा तो कोशिश क्या की जाएगी सबसे पहले डिमांड क्रिएट किया जाए हाइड्रोजन की उसके बाद रिसर्च भी शुरू की जाए जिसके लिए पैरली पॉलिसी सपोर्ट भी दिया जाएगा ठीक है चलो यहां पे एक टर्म है विच इज इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन इकोनॉमी हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे मीन्स में me. कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी के संदर्भ में या आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी रिसेंटली न्यूज में रहता है इसके प्रोज कॉन्स बताइए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है तो आप उसके बारे में बात कीजिए तो वहां आप इन चीजों को या इस स्कीम को कोट कर सकते हो तो बेसिकली हाइड्रोजन इकोनमी क्या होता है जब हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है फॉर व्हीकल्स एनर्जी स्टोरेज या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी मतलब बेसिकली हर जगह एनर्जी के परस्पेक्टिव से हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है दैट इज रेफर टू एज हाइड्रोजन इकोनॉमी ठीक है जी तो क्लीनर फ्यूल्स पे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप डेफिनेटली इन चीजों को कोट करेंगे नेक्स्ट चीज पे आते हैं आपकी एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है बहुत ज्यादा न्यूज में है तो रिसेंटली कुछ स्पीशीज को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में एड किया गया है सो यू रीड अबाउट द स्पीशीज एंड एनवाइ वी भी स्पीशीज़ को मान लीजिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड बता रहे हैं so उसका अपना एक प्रोग्राम है राइट right? अब एक ब्रॉडर प्रोग्राम है जिस ब्रॉडर प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में तीन चीज़ें हो रही हैं एक तो वो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको सपोर्ट देते हैं लाइक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सबको मान लीजिए कि कुछ ऐसे जीव हैं कुछ ऐसा फोना है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है राइट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज उनके लिए भी एक कंपोनेंट है तीसरा जो कंपोनेंट है वो एक रिकवरी प्रोग्राम है कि जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और उनका हैबिटेट है उनको भी बचाने की बात होगी तो ये जो थर्ड प्रोग्राम है दिस इज रेफर टू एज योर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम सो इसके अंडर आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है आ, बताया जाता है कि एक्स वाई जी जो आपके फोना है सॉरी फ्लोर वाइल्ड लाइफ हैबिटाट से एसोसिएटेड या कोई पर्टिकुलर लैट्स स्पीशीज़ है वो इसके अंडर बताई जाती हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ठीक है जी याद रहेगा सो इट कुड भी डायरेक्ट क्वेश्चन की स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम बेसिकली किसका पार्ट है सो so इनिशियली ये जो थर्ड पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्कीम का ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये न्यूज में क्यों है बिकॉज रिसेंटली कारकाल जो है विच इज अ वाइल्ड कैट इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में एड किया गया है सो देव बिन एडेड अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम जो इन टर्न किसका पार्ट है एक्चुअली वो एक प्रोग्राम uh, का पार्ट है विच टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स याद रहेगा है जी सिंपल है चलिए अगली न्यूज पे आते हैं सो द न्यूज इज अबाउट स्वच्छता सारथी फेलोशिप तो जो स्वच्छता सारथी फेलोशिप है आ, ये एक फेलोशिप है जो कि एक बड़े मिशन के अंडर आती है द मिशन इज कॉल्ड वेस्ट टू वेल्थ मिशन ठीक है तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन में बेसिकली एजेंडा क्या है कि जितना भी वेस्ट है राइट उनको वर्थवाइल बनाया जाए राइट वेस्ट मटेरियल से जो है एनर्जी जनरेट की जाए अब वेस्ट मटीरियल से जो लोग भी जनेरे, एनर्जी जनरेट करेंगे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड अकॉर्डिंग टू तो ग्रुप उनको फेलोशिप्स दी जाएंगी एक ग्रुप है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा नाइन्थ टू ट्वेल्थ के एक ग्रुप है जिसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलेंगी तीसरा है अगर कोई सिटीजन फॉर एग्जाम्पल वेन एस एट को बी सैनिटरी वर्कर्स म्यूनिसिपल पर्कर्स एनी बडी वॉन्ट्स टू एसोसिएटेड विद उन्हें एक फेलोशिप दी जाएगी लेकिन ध्यान रखना ये जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर फेलोशिप मिल रही है एक्चुअली ये एक बड़े मिशन का पार्ट है द मिशन इज रेफर टू एज योर पी एम एस टी आई एस सी राइट सो Uh, जो पी एम एस टी आई मिशन है अगर आप देखो इसका जो फुल uh, फॉर्म है एस टी आई एस सी का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल तो बेसिकली ये साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ इनोवेटिव मिशन है इसके अंदर तो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर नौ मिशन है और नौ में से एक मिशन है ये अगर मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊँ तो ये जो पूरा मिशन है ये बेसिकली क्या चाहता है साइंस एंड टेक या रादर uh, uh, इसको और सिंपल शब्दों में बताऊं साइंस एंड टेक की मदद से इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है अब इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर नौ डिफरेंट मिशन आते हैं अगर आप देखें राइट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल बट आप एटलीस्ट आप ध्यान रखिए कि एक बड़ा मिशन है जिसके अंडर वन ऑफ द मिशन इज वेस्ट टू वेल्थ और इसके अंदर स्वच्छता सार्थी फेलोशिप दी जा रही है

एक्सचेंज का है एक प्लेटफॉर्म है राइट जिसमें कि जितने भी अर्बन चैलेंजेस हैं अर्ब, मान लीजिए कि आप अगर किसी सिटी में रहते हैं तो आपको पता है कि आप एक अर्बन जगह हैं आपको क्या मुद्दे आते हैं राइट एक अर्बन सिटी में रह के और उनको कि किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है कुछ नए तरीके की इनोवेटिव चीज़ें चूज करके वो जो है इस प्लेटफॉर्म पर दिए जाएंगे ठीक है और क्योंकि अर्बनाइजेशन की बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगेन आप देख रहे हो कि कुछ नया करने की बात हो रही है बेसिकली अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात हो रही है अगेन इट विल बी एसोसिएटेड विद आत्मनिर्भर भारत तो कभी भी आपको अर्बन गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है इन जीएस2 या आपको जीएस1 में ज्योग्रफी uh, में या सोशल इशू में अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन तो आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया डिफरेंट तरीके के स्टेप्स ले रहा है दिस इज़ वन ऑफ देम या मान लीजिए आपको आत्मनिर्भर भारत पे जीएसथ्री में इकोनमी में क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन uh, के क्षेत्र में देर समथिंग कॉल सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो कि अर्बन गवर्नेंस की तरफ स्टेप है विच इज एक्चुअली अ पैराडाइम ऑफ आत्मनिर्भर भारत सो so बेसिकली याद रखिएगा कुछ भी नया करने की बात हो तो वो सब चीज चीज़ें आपकी आत्मनिर्भर भारत से एसोसिएट हो जाएंगी जैसे यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस की बात कर दी है। मैंने सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात कर दूँ तो वहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन मिशन जिस जिसपे हमने कहा था कि ग्रीन रिसोर्सेस से एसोसिएटेड हाइड्रोजन होगी वो भी हम कोट कर सकते हैं चलिए आगे आते हैं अरोमा मिशन सिंपल सा मिशन है बेसिकली एरोमेटिक प्लांट्स की कल्टिवेशन है ट फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा मेहंदी मेंथोल जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं इनको बढ़ावा देने की बात है बाय सी एस आई आर दिसन सो फर्स्ट थिंग दैट कुड बी देर इज प्री में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एरोमा मिशन एसोसिएटेड आपको बताना चाहिए एरोमेटिक प्लांट्स न्यूज में क्यों था जम्मू में लैवेंडर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो लैवेंडर कल्टीवेशन की एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका नाम है पर्पल रेवोल्यूशन सो दिस अनदर पोटेंशियल इन योर प्री कि जो आपकी पर्पल रेवोल्यूशन है, है आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड लैवेंडर नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन्स में आ सकता है कभी कभी कि आपको क्या लगता है इंडिया में एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी हो रही है या नहीं हो रही है और उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं या क्रॉप डाइवर्सिटी हो रही है नहीं हो रही है दोनों में फर्क क्या है क्रॉप डाइवर्सिटी में सिर्फ एग्रीकल्चर की बात हो रही है राइट सो दिस इज़ वन ऑफ द डाइवर्सिटी कि आप व्हीट राइस की बात नहीं कर रहे बट कुछ डिफरेंट टाइप की बात कर रहे हो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी का मतलब है कि आप क्रॉप्स की बात कर रहे हो प्लस लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हो या मान लीजिए कि फार्म्स जो होते हैं या मान लीजिए कल्चर जो होता है उन सब चीज़ों की बात कर रहे हो तो दोनों ही चीज़ों पे आप इनको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेक्स्ट आते हैं अपना न्यूज़ so, में था नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल तो रिसेंटली जे एंड के में जितने भी बैम्बू क्लस्टर्स थे उनका पोटेंशियल या उनको आगे लाने की किस तरह से उनका मैक्सिमम पोटेंशियल लिया जाए उसकी बात हो रही है तो ये किससे कोलैबोरेट करके होगा दिस विल बी इन कोलैबोरेशन विथ नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल तो ये जो पूरा काउंसिल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको अगेन एग्रीकल्चर डिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं और वहां पे आप एनईसी जो है यू कैन कोटेड ठीक है अब क्योंकि बैम्बू की बात है नेशनल बैम्बू मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है तो नेशनल बैम्बू मिशन की खासियत क्या थी कि बैम्बू की ग्रोथ तो कर ही रहे थे लेकिन रीजनली uh, मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या फर्क है ये चीज आपको पता होनी चाहिए अब ध्यान रखना इनिशियली जो नेशनल बैम्बू मिशन है दिस वाज अंडर हॉर्टिकल्चर मिशन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑन हॉर्टिकल्चर उसके बाद इसकी सेकेंड स्टेज आई विच वॉज कॉल्ड री स्ट्रक्चर बैंबू मिशन और अब ये अंडर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पहले इट वॉज मिशन लेकिन अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आ गया है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने आपको बताया रीजन के हिसाब से स्ट्रेटी होगी पोटेंशियल एरियाज लिए जाएंगे राइट अकॉर्डिंगली मार्केटिंग होगी अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी डिवाइस होगी अकॉर्डिंगली स्टेक होल्डर्स डिसाइड किए जाएंगे उनको बेनिफिट किया जाएगा तभी आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी सो दिस दिस बी बी नॉट क्वेश्चन आ जाता है कि उस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए आप चीजें रिकमेंड कीजिए पॉइंट्स तो सेम ही है मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के दिया तो आप कहिए कि रीजनली डिफरेंट स्ट्रेटी हो पोटेंशियल एरियाज बनाया जाए उनकी मार्केटिंग पे काम किया जाए उनकी टेक्नोलॉजी पे एम्प्लॉयमेंट पे स्टैंडर्ड पॉइंट से आपने ये कोट करने हैं अब जब हम रीस्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा बेटर तरीके से लिख लेते हैं कि रीजनली डिफरेंट अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मल के साथ जो नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड प्राइवेट लैंड है वहां पर भी हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे प्लस हार्वेस्ट के बाद जो मैनेजमेंट है राइट लेट्स मार्केटिंग से एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड उसकी भी बात करेंगे प्लस इसको इंडस्ट्री का भी पार्ट बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं दीस कुड बी कॉटर इन मीन मेक श्योर आप इनको कहीं नोट करें इनको याद करें यू विल गेट मोर मार्क्स इन योर मीन अगला अगर मैं आपको बताऊं मैराटाइम इंडिया समिट है सो so बेसिकली एक मैराटाइम इंडिया समिट में क्या हो रहा है कि इंडिया के मैराटाइम सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए कैसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट लाई जाए उसके बारे में ये समिट है ठीक है इसमें पार्टनर कंट्री कौन है जी डेनमार्क सो अगेन प्री के लिए द कंट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन मेंस के लिए जब आप मारा टाइम रिसोर्सेज के लिए या मान लीजिए कि ओशन रिसोर्सेज में इंडिया आगे कैसे बढ़े यू विल कोट दिस समिट ठीक है चलिए अगेन जीएम क्रॉप्स बहुत ज़्यादा न्यूज में नहीं है तो रिसेंटली अगस्त 2020 में एफ एस एस आई ने बोला कुछ क्रॉप्स में कि जब भी वो क्रॉप्स इंडिया में इम्पोर्ट होंगी तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो क्रॉप्स हैं ये ये आइदर नॉन जीएम ओरिजिन है इनमें जीएम है ही नहीं और इनका जीएम फ्री सर्टिफिकेट भी चाहिए कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है लेकिन ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रहता ही है इन क्रॉप्स तो इसका एक थ्रेश होल्ड बना दिया गया कि ओके okay, जीरो ना हो कुछ परसेंटेज हो तो वो परसेंटेज का सर्टिफिकेट आपको लेके आना है ठीक so, है सो वाई मॉडिफिकेशन किए बट व्हाट आई टॉक अबाउट जी ई एसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है ये बेसिकली एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि जो जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स हैं सेल हैं उनका जो भी यूज मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट है वो जीईएसी -E जो है जेनेटिक अप्रेजल सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये अप्रूव करती है सेकंड चीज़ इट्स अ स्टैचूटरी बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट

कि लेट से कि जेनेटिकली मॉडिफाई अगर किसी क्रॉप को किया गया है तो कोई ऑब्जेक्टिव से ही किया गया फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन में अगर कुछ जीन्स बदले जाते हैं तो दैट जीन जीन वो gene क्यों बदला जा रहा है ताकि जब पिंक टी कॉटन पे अटैक करे तो ये जो बीटी कॉटन में जो एडिशनल जीन डाला गया है वो पिंक बोल्वम को टॉक्सिको पिंक बोलवम उसको ना सह पाए सिमिलरली दिस एच टी बी टी कॉटन इज वेल वहां पर प्लांट को रेजिस्ट करने की बात है फ्रॉम सिमिलरली बीटी ब्रिंजल में जो जीन बदला जा रहा है उसका एजेंडा क्या है टू रेजिस्ट अटैक ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर्स सिमिलरली एक चौथा जो जीएम क्रॉप है दैट इज डीएमएच इलेवन विच इज मस्टर्ड अगर इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो इसमें पॉइंट या क्यों मॉडिफाई किया जा रहा है कि आप अब चाहते हो कि जिस क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन हो रही थी अब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो नाउ नई डोट वॉन्ट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं चाहती हूं कि आप चार शब्द याद रख लें कि बीटी कॉटन में क्या टॉक्सिक है एच में किस चीज से रेजिस्ट किया जा रहा है हर चीज में जो बदलाव है उसका एजेंडा क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर प्रीलियम ये आप याद करेंगे ठीक है तो इसका कहीं नोट बना लीजिए चार जो नॉर्मली न्यूज़ में रहती हैं जीएम क्रॉप्स वो आई हैव गिवन यू चलिए माइनिंग इन अरावलीस बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है भाई जो माइनिंग हो रही थी अरावली के रीजन में इनको दोबारा से शुरू किया जाए ताकि पैंडमिक की वजह से जिन लोगों की जॉब्स गई हैं वो इस माइनिंग से इनको आगे जाके काम मिले तो अगर मैं अरावलीज की बात करूं दिस इज योर अरावलीज ठीक है अब अरावलीज की सिग्निफिकेंस क्या है ये चीज इंपॉर्टेंट है ये जोग्राफिकल परस्पेक्टिव से अब पहली सिग्निफिकेंस पता क्या है जब आप मानसून पढ़ते हो या आप कोई भी हवाएं पढ़ते हो राइट right? जो कि इस तरफ से आ रही हैं उनके साथ जो भी आपके पल्यूटन्स आ रहे हैं या जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं अरावली उनको रोक लेती है यहीं पे दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नहीं तो ये जो डस्ट स्टॉम्स हैं ये आगे भी जा सकते हैं अगर आप देखो और जो हॉट विंड्स हैं राइट जो वेस्ट से आ रहे हैं इंडिया के जो सैंड है उनमें वो अरावली में ही डिपॉजिट हो जाता है इट डजन गो आगे राइट नहीं तो आप इमेजिन करो ये जितनी भी आ, लेट से उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सैंड होती है अगर अरावली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती ऑलसो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ये जो डस्ट डस्ट हैं हैं पार्टिकल्स इनके साथ टॉक्सिक पोल्यूशन भी आता है जो अरावलीज की वजह से रुक जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में आते हैं एंड में भी आते हैं राइट right? ये चीजें आपको उस चीज के लिए पता होनी चाहिए सो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स ठीक है कि इंडिया में किस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि बैरियर्स किस तरह के हैं वहां पर आप इन चीजों को छोटी छोटी कोट कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल रिवर रिजुविनेशन मैकेनिज्म राइट रिवर्स को रिजुविनेट करने की बात तो ऐसा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कुछ चीजों पे बात की हम वो पढ़ेंगे ठीक है एन क्या बोलता है कि जितने भी ऐसे स्टैचूटरी मैकेजम्स हैं जो कि रिवर्स के पोल्यूशन को कैटर करते हैं वो जी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए अकाउंटेबल भी नहीं रहे बहुत ज्यादा फेलियर्स भी हुए इस वजह से अब जो ट्रिब्यूनल है वो चाहता है कि जितनी भी पोल्यूटेड रिवर्स है उनको इफेक्टिवली मॉनिटर किया जाए और इसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए और इस मैकेजम को मॉनिटर करने के मैकेनिज्म का नाम दिया जाए नेशनल रिवर रिज्यूमिनेशन मैकेजम तो अगर इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ट्रिब्यूनल ने जो है रेकमेंड किया है कि कुछ इस तरह की चीज की जाए ठीक है ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कह रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड जो है नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एन्वायरमेंट डेटा ग्रिड बनाया जाए जो कि जितना भी लेट्स से कि मॉनिटरिंग होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज रिवर्स या लेट्स से कि आगे जो रिकमेंडेशन होंगी जो प्लान्स बनेंगे वो हर लेवल पे इम्प्लीमेंट हो ठीक है जी याद रहेगा

तो इनका basically क्या है जो border infra है 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 जो उसके बारे में बात करती है, किस तरह से create, upgrade, maintain, जितना भी border infra है, that comes under Authority of India. और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं इंटीग्रेटेड पोस्ट पर काम करती है ठीक है वैसे ऐसे जितना भी बॉर्डर इंफ्रा है केटरिंग टू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ठीक है तो दिस कुड बी पोटेंशियल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कि uh,

कुछ आपके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं आपको उनके नाम पता होना चाहिए सो दे कुड आस्क यू पेट्रापोल भाई ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे सिमिलरली अगरतला त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पे सो आई वॉन्ट टू टू सिट डाउन एंड रिमेंबर दिस लिस्ट आप चाहो तो इनको मार्क uh, भी कर सकते हो सिमिलरली रक्सौल जोगबानी ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है तो आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मोरे तो आपको याद होना चाहिए दिस इज वन ऑफ दी थिंग्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है ठीक है याद रहेगा चलिए हीराकुंड डैम बहुत ज्यादा न्यूज में है महानदी रिवर पे जो है पहला क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन डैम कौन से रिवर पे आपको पता होना चाहिए देट वुड बी मैच द फॉलोइंग जो कि डैम और रिवर से एसोसिएटेड हो सकते हैं तो रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि इस डैम की वजह से जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं राइट right, उनको एलिवेट किया जाए तो अगर मैं आपको दिखाऊँ दिस so इज महानदी रिवर राइट right? यहाँ से शुरू देन बे ऑफ बंगाल में राइट right? तो अगर आप देखो छत्तीसगढ़ से शुरू होकर उड़ीसा से बहते हुए और इट टू बे ऑफ बंगाल पहली चीज तो ओरिजिन से आज का आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ से राइट एंड इट गोज टू बे ऑफ बंगाल ठीक है अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जैसे शुरुआत में यहाँ पे उड़ीसा की शुरुआत में इस पे बना गया है हीराकुंड डैम इसकी पता है सिग्निफिकेंस क्या मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि या से आगे जाके ही पढ़ते हैं पर वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट एक तो जो मैं आपको रिपोर्ट बता रही थी कि जो डैम्स हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं राइट उस कॉन्टेक्ट में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मैं आपको हीराको डैम की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो ये उन्नीस से ये मुद्दा चल रहा है राइट जब उन्नीस सौ छत्तीस के डेविस्टेटिंग तो एम विश्वेश्वर्या जी ने कहा कि भाई आ, महानदी डेल्टा में तो बहुत फ्लड्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे शुड बी डैम तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर जी वहां पे किस तरह के होने चाहिए उसकी बात शुरू हो गई और काम शुरू हो गया

लोअर रीजन है बिकॉज दे आर नियर टू द कोस्ट वहां पर फ्लड्स आ जा जाते थे तो इस वजह से क्या है अपर रीजन में ड्रॉट्स की वजह से जनता बहुत परेशान है और लोअर रीजन में फ्लड्स की वजह से इसीलिए यहाँ पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन की बात हुई कि पानी के लेवल को कंट्रोल किया जा सके कि अपर रीजन्स में भी इससे पानी दिया जा सके और लोअर रीजन्स में के लिए पानी को स्टोर किया जा सके ठीक है तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ऑलवेज बी आस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन

स्पेशल प्लानिंग सो इंडिया और नॉर्वे ने अग्री किया है कि जितने भी लक्षद्वीप और पुडुचरी वाले रीजन्स हैं वहाँ पे दे वॉन्ट टू लेट्स ए मैप द होल रीजन क्योंकि वहाँ रीजन्स में जितने भी ओशन रिसोर्सेज हैं उनको वो यूज करना चाहते हैं पहली चीज दूसरा बिकॉज ये आईलैंड हैं इनसे एसोसिएटेड जो टूरिज्म होगी इंडस्ट्रीज होंगी फिशरीज होंगी उन पर भी काम किया जाना चाहिए इस बारे में इंडिया और नॉर्वे स्टेप्स ले रहा है तो अगेन जो आपको क्वेश्चन आते हैं अबाउट इंडिया की क्या कोऑपरेशन है इन मरीन रीजन्स या मरीन रिसोर्सेज से एसोसिएटेड बाकी कंट्रीज से आप वहाँ पर इनको कोट कर सकते हैं ठीक है जी चलिए अगली चीज़ पे आते हैं नाग रिवर वॉज ए न्यूज़ तो नाग रिवर लेसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है राइट इट इट फ्लोज थ्रू सिटी ऑफ नागपुर तो बेसिकली इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है दैट इट सर्व एज अ ड्रेनेज सिटी फॉर नागपुर यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो इस वजह से ये रिवर जो है इसको क्लीन करने की बात है राइट तो ये बहुत ज्यादा न्यूज़ में थी तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इनके ओरिजिन के बारे में इट ओरिजिनेट्स नियर लावा हिल्स नियर Uh, next है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ठीक है नाम से पता लग रहा है तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया कुछ सिटीज आइडेंटिफाई की गई है कुछ ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा है कुछ ऐसी जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से कम है ठीक है तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि ईज ऑफ लिविंग में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है इन सिटीज में प्लस जो डिफरेंट मिशन है फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम्स जो डिफरेंट मिशन है अर्बन डेवलपमेंट के लिए अर्बन गवर्नेंस के लिए उन मिशन का क्या इम्पैक्ट है तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिडेंस का व्यू लिया जा रहा है और रेजिडेंस का व्यू इस पूरे मिशन का थर्टी पार्ट है नो वाई एम चलेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया है जो ये uh, जहाँ पे ये डिस्कशंस होते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस की सिग्निफिकेंस है जब भी, भी आपको एथिक्स में ए पे क्वेश्चन आते हैं साइंस में सिग्निफिकेंस ऑफ ए पे क्वेश्चन आता है तो उनका ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ए आई मॉडल्स प्रोडिक कर रहा है लेकिन जो ह्यूमन एंगल है जो रियल टाइम इश्यूज हैं रियलिटीज हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से ही पता लगेंगी ह्यूमन सर्विस से ही पता लगेंगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है ह्यूमन इंटरफेरेंस का ठीक है जी याद रहेगा चलिए ओल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट गवर्नेंस का कि मान लीजिए कि कोई आपने स्कीम बना दी बट जब तक आपको ह्यूमन्स की इंटरफेरेंस किसे ह्यूमन्स की सर्विस से रियालिटीज़ नहीं पता लग रही स्कीम्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं सो गवर्नेंस शुड ऑलवेज हैव द आइडिया ऑफ सिटीजन फीडबैक जिसको आप सिटीजन चार्टर में रेफर करते हो तो एथिक्स में आप इन चीज़ों को भी कोट कर सकते हो सो वो ऑल्सो गिवन यू की टॉप सिटीज अगर आप देखो कौन कौन सी हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं राइट right? uh, दे माइंट भी आस वैसे बहुत कम चांस है बट तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिमिलरली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ साथ एक म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी है म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी सिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कुछ सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से कम है कुछ जिनकी ज्यादा है ठीक है और पांच डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर कि वहां पर म्यूनिसिपैलिटी की सर्विसज कैसी हैं फाइनेंस कैसा है पॉलिसीज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के बेसिस पे म्यूनसिपैलिटी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया गया है ठीक है तो अगेन जिस तरह से इवेलुएशन होगी अगेन रिकमेंडेशन हैं कि किस तरह से आगे चीजें की जा सकती हैं सो दीस थिंग विल बी कोटेड इन योर अर्बन गवर्नेंस अगेन कि अर्बन गवर्नेंस के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं हाउ फार सक्सेसफुल या अगर आपसे पूछते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन आपको क्या लगता है सक्सेसफुल है तो आप लिखिए स्मार्ट सिटी मिशन के ही लाइन्स पे ये सर्वे किए जा रहे हैं ठीक है अगर आप देखें तो इंदौर मिलियन प्लस कैटेगरी में टॉप रहा है इंदौर आप देखिए बहुत साल से बहुत इंडेक्सेस में टॉप कर रहा है एंड लेस देन मिलियन में न्यू डेली द कॉर्पोर बट एटलीस्ट इफ यू नो इट्स इट्स अ गुड थिंग चलिए नेक्स्ट हजाराज में आपको बता रही थी जो मैंने आपको ऊपर बताया था वन ऑफ द मोस्ट ओप्रस्ड कम्युनिटीज है ये दैट इज इन ग्रुप्स हैं इन अफगानिस्तान सो कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है राइट तो इंडिया को बोला गया भैया बीच में आप पार्टली फ्री अगर आप देखें राइट right? Uh, अगर आप देखो इंडिकेटर्स क्या हैं सिविल राइट्स कितने हैं मान लीजिए आपका फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन राइट्स क्या हैं आपकी पर्सनल अटॉनमी क्या है इंडिविजुअली आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं उस पे दे दे डू सर्टेन कैलकुलेशन सर्टेन एनालिसिस सेकेंडली आपको पोलिटिकल राइट right कैसे हैं आपकी सिटीजन पार्टिसिपेशन आपका इलेक्टोरल प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है आपकी पोलिटिकल प्लूरिज्म किस तरह का है सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखा माप इंडेक्स ठीक है तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो कभी अपने मेन्स में कभी क्वेश्चन आते हैं ना आपको कि लेट्स से कि इंडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात कीजिए तो आप वहाँ पर इनको कोट कर सकते हो जब भी, भी आप उनका क्रिटिसिजम लिखो अगर मैं बताऊँ तो रीजंस में अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट के रीजंस कहते हैं कि सी ए ए वो सपोज टू बी अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स नाउ यू कैन हैव योर ओन व्यूज अगेंस्ट इट राइट अबाउट इट लेकिन uh, आंसर हैज वी वेरी अकेडमिक एंड द बेस्ट पार्ट इज वेन यू कोट दिस विद रेलिवेंट रिपोर्ट तो आपका आंसर और रेलिवेंट हो जाता है अकेडमिकली की दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट स्टेट दिस राइट की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दे एशो या मान लीजिए किस तरह की आपको लैक ऑफ फ्रीडम है फॉर इंस्टीट्यूशन ठीक है एंड आप क्या करो आप रादर देन राइटिंग कि इलेक्शंस में कोई इशू है या लैक ऑफ फ्रीडम है इंस्टीट्यूशंस में आप इस रिपोर्ट को कोट कर दो राइट दैट गिव्स अ वेरी कोर्ट के इशूज बेसिकली मीडिया के फ्रीडम के इशूज राइट सो यू कोट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट येस देर आर इशूज फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड एक्सप्रेशन एज वेल सो दीज कैन बी रिपोर्टेड या कैन बी रिटन इन द क्रिटिसिजम पार्ट ऑफ इट और याद रखना आंसर हैज टू बी अकेडमिक ठीक है जी याद रहेगा चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो अगर अगर आप ये रेड रीजन देखें रेड लाइन देखें दिस इज वॉट हेज बिन प्लान ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक है एक्चुअल रूट ये है इस रूट को छोटा करने के लिए रेड वाले रूट की बात है तो अगर आप कंट्रीज देखो इंडिया ईरान अजरबाइजान एंड रशिया तो ये चार कंट्रीज एसोसिएटेड है आईएनएसटीसी से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें दिस विल बी अ कॉरिडोर जिसमें मल्टी मॉडल है यानी कि शिप्स रेल, और रोड्स रोड्स इससे एसोसिएटेड है तो कोशिश क्या है कि बायलेटरल ट्रेड इन चारों कंट्रीज में बढ़े प्लस जो आ, लेट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी ट्रांजिट कॉस्ट बचेगी इन सभी चीज़ों पे काम किया जाए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल दो मैप्स में चार कंट्रीज दी होती हैं, लेकिन मेंबर स्टेट्स बहुत सारी हैं तो एटलीस्ट आप मेंबर स्टेट्स के बारे में ध्यान रखिए कि इन चार कंट्रीज के अलावा भी देर आर मेंबर स्टेट्स पीपल टेन टू मिस दीज डिटेल्स ठीक है जी चलिए अगली चीज पे आते हैं आपने रिसेंटली हमारी कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है राइट right? आप देख रहे हो फ्लोट कर रहा है पानी पे सोलर पावर प्लांट तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहां पे है राइट सो दिस इज रामागुंडम तो जस्ट चेकआउट रामागुंडम आंध्र प्रदेश में आता है या फिर तेलंगाना में आता है राइट right? चलिए तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है राइट right? कौन सा रिवर गोदावरी रिवर ऑन अ पर्टिकुलर रेजरवर विच इज कॉल्ड श्री राम सागर प्रोजेक्ट रेजरवर

तो गोदावरी रिवर अगर आप पोजिशन देखें राइट right? महाराष्ट्र से शुरू है त्र्यंबकेश्वर एंड गोज़ टू बे ऑफ बेंगाल ठीक है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गोदावरी रिवर क्योंकि न्यूज़ में थी एनसीआर से आप इसका व्याक्ट जरूर पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका है वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव तो वन धन विकास इनिशिएटिव बेसिकली क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है वन धन तो वन से जो भी चीज़ें हैं फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें हैं उनको इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट लिया जाए उसकी बात है सो so बेसिकली जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो उनकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है राइट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है जो भी नॉन टिम्बर चीज़ें हैं फॉरेस्ट में है ना लेट्स से कि गम्स हो गए लीव्स हो गए uh, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि नॉन टिम्बर हैं उन उन पे जो है सरकार उनको पैसा देती है सो so दैट जो भी ट्राइबल्स हैं जो भी गैदर कर रहे हैं चीज़ें उन्हें जो भी उनसे एसोसिएटेड जगह है वहां के जो भी हैं उनके लिए प्रॉपर रेनोवरेट किया जाए ताकि वो उनका ऑक्यूपेशन बन जाए ताकि वो भी जो है मेन स्ट्रीम का पार्ट बन पाए तो जितने भी ट्राइबल गैदरर्स हैं ट्राइबल आर्टिश हैं उनको जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए आगे कैसे बढ़ाया जाए उनको वन धन विकास केंद्र से एसोसिएट कराया जाता है कि जितने भी आपको लगता है कि जो ट्राइबल गैदरिंग से जो भी आप आ, से कि हैंडी बना रहे हैं और कोई सामान बना रहे हैं उन्हें इन वन धन केंद्र में दिया जाता है सो so दैट जितना भी ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि नॉन टिम्बर है उसको और प्रोडक्टिव किया जाए ताकि इनको और इकोनॉमिकली बेनिफिट किया जा सके ताकि ये मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके इसकी ना एक स्कीम भी आपको पता होना चाहिए एम एस पी सॉरी एम एस पी फॉर एम एफ सॉरी एम एस पी फॉर यस फॉर एम एफ पी स्कीम तो वो क्या कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कि 2013 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अप्रूव की गई थी जहाँ पे बोला गया कि जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है राइट अगर आप इसकी प्रेजेंट एग्जाम्पल देखो तो जितनी भी नॉन टिम्बर चीज़ें हैं उनके लिए सरकार जो है इनको एमएसपी देगी तो ये चीजें ना लोगों को यूजली पता नहीं होती कि जब हम सिर्फ क्रॉप्स की बात करते हैं हम ट्राइबल्स वाली चीजों को भूल जाते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए एंड एजेंडा सिंपल था कि एक तो इनको एमएसपी भी दिया जाए प्लस इनको वैल्यू चेंज भी बनाई जाए कि आगे किस तरह से इन चीजों का मार्केट होगा किस तरह से सेल होंगी सो so दैट ये जितनी भी चीजें हैं जितने भी ट्राइबल्स हैं ये आगे मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके नेक्स्ट मायत्री सेतु जो है इनोग्रेट किया गया मायत्री सेतु जो है इट्स अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश

बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि देर आर सर्टन रीजन विच आर नॉट डेवलप्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ट्रांसपोर्टेशन एंड द वे यू गो टू नॉर्थ एन ईस्ट सो एक जो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल से रीजन जाता है राइट जो आप जिसको आप चिकन स्नेक कहते हो दैट इज दी ओनली वे ऑफ रीचिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज तो जितना भी उनका ट्रेड है विद द uh, आसपास की कंट्रीज लेट से बांग्लादेश सो दे आर एक्चुअली हैड टू कम टू हल्दिया पोर्ट हल्दिया पोर्ट इज इन वेस्ट बंगाल तो आप इमेजिन करो कि आपको त्रिपुरा से ऑल द वे चिकनजनेस होकर आपको हल्दिया पोर्ट पे आना पड़ रहा था पहले सारी ट्रेड के लिए लेकिन अब क्या किया कि राधा दिन कमिंग वाया हियर एक डायरेक्ट रूट बना दिया गया कि अब बांग्लादेश के आप चित्रगोंग पोर्ट से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो तो आप देख रहे हो इकोनॉमिकली कितना ज्यादा इस चीज का बेनिफिट है कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो रहा है पैसा कम लग रहा है एंड एक डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स लेकिन अब इसका एक डाउनफॉल भी है डाउनफॉल क्या है सिक्योरिटी इश्यूज कि यू ओपन रूट्स तो इंडिया को उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन टू दी सिक्योरिटी ऑफ दीज रीजन तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी चीज के प्रोज लिख रहे हैं तो आप उनके कॉन्स को भी देखें एंड यू हैव टू रियलाइज कि अब ये जो ब्रिज है बाय द टाइम ऑल द मेकेजम्स आर सेटअप राइट right? ये और भी कुछ समय इसमें निकल जाएगा तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए और ना एक और पता क्या होता है जैसे आप आगे भी पढ़ोगे जब भी लेट्स ट्रक्स जाती हैं आपकी दूसरी कंट्री में ना ट्रांसिट बदलता है लेट्स कि योर सामान गोज right? so इन टू ट्रक्स राइट सो इन चीजों पर भी इवेंचुअली काम किया जाता है कि इवेंचुअली ये चीजें कैसे कम की जाए ठीक है तो अब बहुत ही आ, ईजी होगा आपके लिए चितगोंग पोर्ट से कनेक्ट करना बांग्लादेश फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और रादर ये दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट्स नॉर्थ ईस्ट को जो कनेक्ट करेगा चितगोंग पोर्ट से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए त्रिपुरा को गेट वे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जा रहा है एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये इंडिया की लुकीज पॉलिसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने ऐसे लुकीज पॉलिसी तो इंडिया का एजेंडा क्या है जितने भी साउथ एशियन रीजन है या साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इनके साथ अपनी टाइज बढ़ाए जब बनती है तो माइग्रेंट्स के लिए हम रोहिंग्यास की बात करते हैं राइट right? या लेट्स हम सिक्योरिटी की बात करते हैं इलिगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं वहां पर है, इशूजली बढ़ते जाएंगे तो इंडिया जहाँ इंडिया को yes, बेनिफिट है वहां पर कुछ इसके कॉन्स भी हैं तो ये चीज़ें जो हैं आपको प्री में कभी कभी एनालिटिकली भी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए नॉट बिकॉज हम बांग्लादेश की बात करें आई वॉन्ट नोट ऑल पोर्ट्स बट द टू इम्पोर्टेंट एक मोंगला पोर्ट पीपल टेन टू लेट्स नॉट रिमेंबर द मोंगला पोर्ट ऑल्सो बिकॉज बांग्लादेश की बात हो रही है बशार चार आइलैंड हैज न्यूज तो बशार चार आइलैंड बेसिकली क्या है म्यांमार से जितने भी आपके uh, रोहिंग्याज आ रहे हैं तो बांग्लादेश ने क्या सजेस्ट किया कि हम उनको बाशाचार आइलैंड में वील सेटल दम आउट लेकिन अब बाशा आइलैंड में दिक्कत क्या है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज वाला इशू है कि जब बहुत ज़्यादा या राधा बारिशें होती हैं तो ये जो आइलैंड है ये डूब जाता है तो कितना आ, सक्सेसफुल होगा यहाँ पे लोगों को रीएलोकेट करना या इन या उन्हें वहाँ पे बसने देना इस पर हमेशा ही क्वेश्चन रहा है बट देखो भी डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर प्री चाइल्ड एंड आइलैंड किससे एसोसिएटेड है तो आप लिख सकते हैं कि रोहिंगा uh, से एसोसिएटेड है एंड द कंट्री एसोसिएटेड वुड बी बांग्लादेश वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो कौन सा रिवर था जिसमें हमारा पिछला ब्रिज बना था याद रखना है आपने फैनी रिवर ठीक है चलिए अगली चीज पे आते हैं पेंच टाइगर रिजर्व इज इन न्यूज तो अगर आप पेंच देखो कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट महाराष्ट्र में ध्यान रखना पेंच टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो कि दो स्टेट्स में आता है वेरी इंपॉर्टेंट ये लोगों को पता नहीं होता पेंच हम यूजली या तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश समझते हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंडली एक ना इस बार पंजाब पीसिस में भी कुछ पहाड़ों से एसोसिएटेड एसोसिएटेड क्वेश्चन आए गिवन सम सम पास फॉर विद इट तो याद रखना तो ये सतपुड़ा और अगर आप आपके मैकाल रीजन से इससे एसोसिएटेड है पेंच तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है पेंच टाइगर रिजर्व कौन से माउंटेन सिस्टम से एसोसिएटेड है दे कुड गिव यू छोटा नागपुर दे कुड गिव यू अरावलीज एंड देन यू शुड नो सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज सतपुड़ा के जस्ट बाद आता है थोड़ी उस उसपे मैकाल ठीक है जी याद रहेगा ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की बात है तो चाइना और रशिया भी प्लान कर रहे हैं कि हम जो है एक लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे अब बिफोर यू अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड दी डायनामिक्स बिहाइंड इट एक है आपका आर्टमिस प्रोग्राम यूएस का प्रोग्राम है जिसमें यूएस चाहता है कि पहली वुमेन और नेक्स्ट मैन को मून पे लैंड कराया जाए अब इसके लिए यूएस ने बहुत सारी एजेंसी से किया है कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जापान स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी लेकिन ना रशिया की बात है यहां पे ना चाइना की बात है अब ये क्या कर रहे हैं अब ये अपना एक अलग लूनो प्रोग्राम बना रहे हैं मून के लिए जिसको ये इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन कह रहे हैं और स्पेसिफिकली ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई भी कंट्री अगर हमसे एसोसिएट होना चाहे हम उसको इक्वल एक्सेस देंगे इस पर्टिकुलर रिसर्च स्टेशन का लेकिन हाँ अभी क्लैरिटी नहीं हुई है कि जो रिसर्च स्टेशन है ये लूनर ऑर्बिट में जाएगा या मून पे लैंड करेगा दैट वील हैव टू सी पर अभी एक इनिशियल स्टेजेस पे ये बात है जिस टू काउंटर दी आटोमस प्रोग्राम अब बहुत डायरेक्ट काउंटर नहीं होता बट ये आईआर या इंटरनेशनल रिलेशंस वाली चीजें जो मैंने आपको थी ना हमेशा मे या मे नॉट में लिखी जाती हैं उन चीजों में आता है कि ये इसका बेसिस हो सकता है ना क्योंकि नासा और रशिया दोनों है, तो में, like this, यहां पे होती है या इट इज यूज फॉर नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ रिफ्यूलिंग या कुछ इन चीजों के लिए यूज होता है तो इस एसोसिएटेड कुछ आपकी कंट्रीज हैं आपको पता होना चाहिए यूएस रशिया जापान यूरोप एंड कैनेडा बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज इट कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मीन आपको पता होनी चाहिए ठीक है जी चलिए असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वज ए न्यूज तो ये डेली के अरावली हिल्स एसोसिएटेड लॉर्ड ऑफ अदर न्यूज अबाउट एनवायरमेंट दैट विलटर बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इसकी पोजिशन क्या है सो दैट एटलीस्ट अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आता है आपको ये चीजें पता हो ठीक है जी चलिए अगला हम आते हैं चाबहार पोर्ट चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है हमें पता है लेकिन रिसेंटली न्यूज में क्यों है बिकॉज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो ये आई जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था उसमें ईरान को भी इंक्लूड किया जाए ठीक है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको प्रेजेंस पता होनी चाहिए कि चाबहार पोर्ट ईरान एंड देन पाकिस्तान गोवादार पोर्ट ठीक है न पहला जो चीज डायरेक्टली आती है द फॉलोइंग में आ जाते हैं आपको की पोर्ट को उनकी कंट्री से मैच कीजिए बिकम्स इंपॉर्टेंट ग्वादार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आगे भी पढ़ेंगे जो सीपेक है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उससे एसोसिएटेड है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है चलिए Uh, एक और चीज़ जो चाबहार पोर्ट से इंपॉर्टेंट क्यों है दिट इज ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान पहली चीज़ दूसरा यहाँ पे दो सेपरेट पोर्ट्स हैं शाहिद बहस्ती एंड शाहिद कलांतरी सो so, अगर ये दो नाम भी आपको दे दिए जाए आप समझ जाइए कि ये चाबहार पोर्ट से एसोसिएटेड है नेक्स्ट अगर आप आए अ लॉट ऑफ पीपल टेन टू मिस दिस जो ये बांदर अबास पोर्ट सिटी है ये भी ईरान से एसोसिएटेड है सो इट कुड बी आस्ट वन ऑफ द मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स तो आपको उसके लिए पता होनी चाहिए नाउ देयर वाज वन फरहाद बी गैस फील्ड ये भी इंडिया ईरान से एसोसिएटेड आपको पता होना चाहिए सो देयर वाज सर्टेन गैस फील्ड्स राइट जो कि इंडिया को इनिशियली इनके एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए थे बट 2009 में दैट एक्सपायर्ड तब से इंडिया कोशिश कर रहा है टू टेक इट बैक बट इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू टेक इट बैक लेकिन अगर कहीं प्री में आपसे इससे एसोसिएट कर दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ईरान से एसोसिएटेड है राइट लेट्स की दे से द टर्म बी फॉर फील वॉज अट कंट्रीज आर इट एसोसिएटेड विद इज इट एसोसिएटेड विद आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड ईरान ठीक है जी चलिए अगली न्यूज पे आते हैं सो बी बी आई एन अग्रीमेंट बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल राइट मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट था तो यहाँ परली आपको ट्रांजिट की बात बता रही थी दैट वाज इंपॉर्टेंट कि लेट्स से कि मैंने कोई सामान भेजा भूटान सो so यहां से मेरी ट्रक में जा रहा है जैसे ही भूटान पे एंटर करेगा भूटान की ट्रक्स में विल भी शिफ्टेड राइट सो ये मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट क्या था कि ट्रांजिट पास दिया जाएगा यू डोंट हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द ट्रक्स एंड जो भी कस्टम टैरिफ्स होंगे वो भी अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएंगे बट ऑब्वियसली इट कुड नॉट कम इन टू बिकॉज भूटान इनिशियली सेट की हमारे कंट्री में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे अपने इन्वायरमेंटल कंसर्नस है इस वजह से इनिशियली इट वॉज हॉल्टेड ठीक है तो एटलीस्ट तो आपको इतना पता होना चाहिए कि, कि किस तरह से एसोसिएटेड है वाई इट इट स्टॉप अभी भी इनकी बातें चल रही है अब ध्यान रखना एडीबी असिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर दे रहा है विच इज कॉल्ड योर सैसेक प्रोग्राम सैसेक प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है अगर मैं आपको बताऊँ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे पता लगेगा कौन कौन सी कंट्री शासक के अंडर है याद रखना बीबीआईएन कॉरिडोर वाली तो है ही है प्लस दी नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्रीज इज एमएमएस मालडाइव म्यांमार एंड श्रीलंका तो बीबीआईएन क्या आपका बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एम एम एस ये है सारी की सारी आपकी शासक कंट्रीज तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है दिस इज वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल द दैसिक कंट्रीज और क्योंकि शासक अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आते हैं हम एक्सम मिश्रम एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम की बात हुई है तो 2014 में पॉलिसी आई थी जिसमें की बात किया गया था कि एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दिया जाए राइट कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा लेट्स की प्रूफिंग क्लाइमेट प्रूफिंग की जाए और इन जनरल एग्रीकल्चर के अलावा एग्रो को भी आगे बढ़ाया जाए तो 2014 में जो ये बात हुई थी उसके एग्रोफॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी आई थी जो कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट फौरेस्ट फॉरेस्ट्री पॉलिसी कही गई ठीक है अब इस पॉलिसी के अंदर एक मिशन चलाया गया विच इज कॉल्ड सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री ठीक है जिनका बेसिक काम क्या था कि जो फार्म लैंड है उनमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स तो लगे ही लगे एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ ट्री कवरेज भी बढ़ाए जाए दैट्स इट तो नाम जितना आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि फार्म लैंड पे इन लाइक अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स ट्री कवरेज भी बढ़े तो सिंपल सी चीजें कि इंटीग्रेटेड मैनर में दोनों चीज़ें की जाए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किया जाए और इस प्रोसेस को और बढ़ाने के लिए एडिशनल एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस या मॉडल्स जो है वो बनाए जाए ठीक है जी याद रहेगा चलिए सिंपल uh, चीज़ें और आर एंड डी की जाए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए वेरी सिंपल ठीक है चलिए एक फ्लोरिकल्चर मिशन भी है जी डू यू रियलाइज ये चीज़ें आप कहाँ यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको बता रही थी कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात की थी मैंने क्रॉप डाइवर्सिटी की बात की थी कि इंडिया में किस तरह से आगे बढ़ रहा है यही तो उसके एग्जांपल्स हैं अब फ्लोरिकल्चर मिशन में ना बड़ा सिंपल सा उनका एजेंडा था वो कह रहे हैं कि इंडिया में इंडिया जो है ग्लोबल फ्लोरीकल्चर या जो फ्लावर मार्केट है उनका सिर्फ पॉइंट सिक्स परसेंट शेयर करता है इंडिया डिफरेंट कंट्रीज से फ्लोरीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ही करता रहता है और एटलीस्ट बारह सौ मिलियन यूएसडी के राइट right? दुनिया में शादियां तो हो रही हैं इतने फूल तो लग रहे हैं राइट right? अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ और आपको याद रहे राइट right? या मंदिर तो आप जा रहे हो फूल तो ले रहे हो राइट right? सो so आप समझ रहे हो कि दिस इज तो जिसमें एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही है लेट से ऑर्किड्स हो गए या जो फैंसी फ्लावर्स होते हैं उनकी भी तो बात हो ही रही है राइट right? तो इनको और बढ़ावा देने के लिए जो आपका ये मिशन है ये शुरू हो रहा है और इस मिशन को बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करने की बहुत ज़्यादा बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ऑन्टरप्रिनोरशिप क्रिएट की जाए फ्लोरिकल्चर में याद रहेगा सिंपल था चलिए येस एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इससे एसोसिएटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी सी काम करेगा प्लस जो मार्केट लिंकेजेस हैं Right? कि आपने शुरू कर दी लेकिन आपको मार्केट लिंकेजेस बनानी ट्रेड शुरू करानी पड़ेगी उसमें भी जो है, आपको जो है अपीडा जो आपकी वो भी करेंगे। दो कि है आपको अपीडा विल नॉट यू दी ऑर्गेनाइजेशन बट एटलीस्ट दू की किन सकते हैं कि लिंकेजेस की बात है नेक्स्ट अगर आप आए तो रिसेंटली एक एफ एस आई रिपोर्ट आई है ऑन फॉरेस्ट फायर्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वो ये कहते हैं कि वन फिफ्थ ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट आर प्रोन टू फायर्स और वो रीजन में मतलब वो परसेंटेज भी बताते हैं कि ट्वेंटी वन पॉइंट फोर जीरो परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर इंडिया में प्रोन टू फायर्स है और वो रीजन भी बता रहे हैं कि उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा फायर्स थी उड़ीसा के बाद तेलंगाना सेकेंड नंबर पर आता है और उनके अकॉर्डिंगली दिस अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ कवर लॉस right? ऑफ क्या मतलब है जो भी जहां जितने भी वहां पे पेड़ पौधे एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड चीजें थी उनका लॉस हो जाएगा नैन यू राइट अबाउट सच थिंग्स यू कैन कोट दिस रिपोर्ट लेट्स दे आस्क अबाउट फॉरेस्ट फायर के बेनिफिट्स uh, क्या है सॉरी डिसडवाटेजेस क्या है तो आप इन रिपोर्ट्स को वहां पे कोट कर सकते हो ठीक है ओल्सो दे सजेस्ट कि फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंफ्लु एज वेल तो यू हैव टू एक्चुअली कोट दिस रिपोर्ट्स इन योर आंसर्स यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स ठीक है सिमिलरली ना वट 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 इज इंपॉर्टेंट इज कि इंडिया इन फॉरेस्ट फायर के लिए क्या कर रहा है दिस कुड बी वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे दो प्लान्स आपको दिए हैं एक है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स राइट right? जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट फायर को मिनिमाइज करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या फॉरेस्ट कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा रहा है उनकी कोऑपरेशन ली जा रही है और दूसरा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम जिसमें कि जितने एक फंड बनाया जा रहा है कि फॉरेस्ट फायर को कैसे प्रिवेंट किया जाए जा और किस तरह से मैनेज किया जाए इसकी भी बात है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन कोट दीज थिंग्स इन फॉरेस्ट फायर की क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट चाइना प्लान टू बिल्ड डाउन स्ट्रीम ऑन ब्रह्मपुत्रा तो अगर आप देखो राइट इट एंटर्स इन इंडिया राइट अब ये जो यहां वाला रीजन है यहां पे आप देखोगे मैं आगे दिखाऊंगी आपको एक्जैक्टली चाइना जो है अपर आईपेरियन स्टेट है ऊपर वाली रीजन है तो वहां पे चाइना जो है एक डैम बनाना चाहता है अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं सो दिस इज वेयर इट इट वॉन्ट्स टू बिल्ड दिस डैम सो ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर एंटर कर गई इंडिया में राइट अब इससे पहले यहीं पे जो है चाइना यहां पे जो है डैम बनाना चाहता है ठीक है अब ध्यान रखना कि इट बी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट जो टर्म्स आप यूज करोगे उसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल जो कि था आई डोंट रिमेम्बर टाइम्स ऑफ इंडिया मैं सो वहां पर मैंशन था कि जो हमें कैसे पता लगा डैम बन रहा है बिकॉज चाइना का जो न्यू फाइव ईयर प्लान है वहां पर उन्होंने कहा है भाई हम ऐसा कोई डैम बनाने की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो कंसर्न्स क्या है ठीक है बहुत अच्छी पांच हेडिंग्स थी आई वॉन्ट राइट इज वेपनाइजिंग वाटर वेपनाइजिंग वाटर कितनी अच्छी टर्म है कि आप इससे कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली पानी ऊपर से नीचे इंडिया की तरफ आ रहा है अब आपने क्या किया ब्रह्मपुत्र का पानी यहीं रोक लिया तो अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि कितना पानी इंडिया पे आएगा या नहीं आएगा राइट तो कितना सिंपल पॉइंट है लेकिन देखो कितनी फैंसी डम है वेपनाइजिंग वाटर कि आपने डैम को एज वेपन ऑफ कंट्रोल यूज कर लिया कल को आप यूज कर सकते हो कि अगर इंडिया के साथ आपको कोई अग्रेशन है आप सारा पानी यहीं रोक लो आप आगे आने ही मत दो नॉट सारा पानी बट

Uh, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखती हैं लेकिन क्या उनके पास वाटर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं तो दोनों ही कंट्रीज कांस्टेंट स्ट्रगल में रहती हैं वाटर स्कैसिटी के जितनी इंडिया में वाटर स्कैसिटी है अकॉर्डिंगली सेम लेवल्स पे नॉट न्यूमेरिकली बट एक एनालिटिकल वर्ल्ड अगर हम देखें कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को केटा करने के लिए हमेशा ही वाटर सफिशेंट अमाउंट में नहीं रहता है हमेशा ही वाटर स्कैसिटी है तो दोनों ही कंट्रीज़ स्कैम्बल करती रहती है वाटर रिसोर्सेस के लिए अब इसमें क्योंकि अपर रायन स्टेट है पानी ऊपर से आ रहा है तो चाइना जो है uh, इस स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा नाउ चाइना कैन एक्चुअली कंट्रोल इट ठीक है नेक्स्ट वाई इंडिया इज वैली ऑफ चाइनाज डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जरूरी तो नहीं है कि इंडिया चाइना जो डैम बना रहा है सिर्फ उसको वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज करे वो उसको स्ट्रेटिजिक पोजिशन भी यूज कर सकता है मिलिट्री पोजिशन भी यूज कर सकता है तो इंडिया इज नॉट वेरी श्योर की बेसिक एजेंडा वहां पर क्या है ऑल्सो डेटा को भी एज लेवरेज यूज किया जा सकता है ऑल दो इंडिया और चाइना जो है uh, वो जो डेटा कि किस तरह से पानी आएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर तो ये डेटा पे जो डेटा शेयरिंग होगा राइट right? so, जो वाटर पे जो डैम से एसोसिएटेड डेटा शेयरिंग होगा अगर चाइना वो रोक ले इंडिया को पता ही ना चले कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिलीज या कितना अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टॉप सो वॉट विल हैपन तो एक्चुअली द डेटा एसोसिएटेड विद वाटर शेयरिंग ये मान लीजिए इसको मैं सिंपल शब्दों में और समझाती हूँ मान लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी है ना तो <clears throat> बिल्कुल डिसाइडेड है कि कौन सा पानी इंडिया के पास जा रहा है और कौन सा पाकिस्तान के पास जा रहा है उसमें भी इतने सारे इश्यूज़ हैं तो इमेजिन यहाँ पे तो भी कोई अग्रीमेंट ही नहीं है सो दिस डेटा कैन बी यूज एज अ लेवरेज बाय चाइना इन सर्टन सिचुएशन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑबली दिल बी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज वेल कि पानी है यू आर एक्चुअली स्टॉपिंग दी जो बेसिक स्ट्रीम यहां से आ रही है सिल्टेशन डिफरेंट हो जाएगी पानी का जो रुझान है किस तरह जाएगा वो हमें नहीं पता राइट तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा जो कि इन इयर्स टू कम ही हमें पता लगेगा तो पांच पॉइंट ऐसे के ऐसे आपने एग्जाम में कोट कर देने ठीक है जी चलिए अब इंडिया क्या कह रहा है इंडिया भी काउंटर कर रहा है इसको इंडिया कह रहा है हम जी सियांग रिवर पे हम एक डैम बनाएंगे बी उंटर्ड एक्ट एज काउंटर टू जांगी वीज इट इन लेटा ठीक है तो सी पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मैंने आपको ग्वादार पोर्ट बताया था सो बेसिकली काशगर से ग्वादार के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसपे बहुत ज्यादा मुद्दा है अब यू सी दिस दिस गोज थ्रू पीओके राइट right? इसलिए इंडिया को मुद्दा है कि इंडिया के हिसाब से पीओके तो इंडिया का पार्ट है बट पाकिस्तान अपने एंड पे क्लेम कर रहा है राइट right? सो so, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इन दोनों रीजन्स के बीच में बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है दे कुड भी सम सॉर्ट ऑफ हाईवे सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स जो भी इंफ्रा से एसोसिएटेड है ठीक है सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एटलीस्ट आपको रीजन के नाम पता होने चाहिए कब से शुरू हुआ हुआ है अगर आप ध्यान दो 2013 से अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ पार्ट जो है पार्टली ऑपरेशनल भी है राइट डेफिनेटली इंडिया जो डेफिनेटली चाइना जो है पोर्ट का यूज करता है फॉर सर्टन शिपमेंट्स लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा में नहीं है लेट्स में एज एन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है ये ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं लेकिन इस पूरे रीजन के बीच में बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के और बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए कि ये पार्टली ऑपरेशनल है एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चाइना जो है ना डेड ट्रैप की पॉलिसी uh, पर काम करता है डेड ट्रैप क्या होता है उधारी में फंसा लेना आपको सो वट हैपन्स इज चाइना जो है पहले हेल्प करता है इन जनरल आप इस चीज़ को याद रखिएगा not specifically associated with CPEC कि China first gives you grants कि आप कोई चीज़ develop कीजिए right let's say कि कोई port development है कोई city की development है कोई pipeline development है and when a country is not able to pay back China जब country China को pay back नहीं कर पाती पूरा तो China क्या कर लेता है जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने grant दी होती है उस चीज़ को अपने under कर लेता है and then आगे facilities वहाँ पर develop होती है right तो इसको China का debt trap कहा जाता है कि उधारी में फंसा लेता है आपको Right? अगर मैं सिंपल शब्द में कहूं जो आपको हमेशा याद रहे ठीक है ठीके? अब इसमें अगर आप मैं यहां बात करूं यहाँ पे पता है आपको क्या कनेक्शन करना चाहिए था चाइना जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जो कि चाइना ने इंडिया से ले लिया है जो श्रीलंका ने पहले इंडिया को ऑफर किया था सो दिस कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सच अ अट्रेटेजी ठीक है तो यहाँ पे आपको इंटरकनेक्ट करना है जैसे ही चाइना की बात है इंडिया के नेबर्स के साथ जो जो उनकी एसोसिएशन है आपको यहाँ पे कोट करनी है तो बेसिकली क्या है चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा है राइट right? मोती की माला जिसे आप कहते हो कि जितने भी पोर्ट्स हैं इंडिया वहाँ पे अपना कोई ना कोई लेट्स से कि मिलिट्री फैसिलिटी या फिर कोई पोर्ट पे ट्रेड से एसोसिएटेड चीजें करने की कोशिश करता है जिसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है श्रीलंका हम्बन तोता पोर्ट जो है जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था वो इसका वन ऑफ दी पार्ट्स है ठीक है अगर मैं आपको बताऊँ इंडिया काउंटर स्ट्रैटेजी क्या कर रहा था इंडिया की स्ट्रैटेजी कहला रही थी आपकी नेकलेस uh,

राइट आइलैंड व्हिच इज एसोसिएटेड उससे एसोसिएटेड हो रहा था चाबहार से एसोसिएटेड होना चाह रहा था सबांग पोर्ट इज इंडोनेशिया से एसोसिएट होना चाह रहा था चांगी मिलिट्री जो रीजन है इन सिंगापुर उससे एसोसिएट होना चाह रहा था राइट सो दैट्स ए सेपरेट डिस्कशन की कौन सी डील सक्सेसफुल हुई नहीं हुई ऑल आई वॉन्ट टू टू नो इज ये मैच द फॉलोइंग आते हैं आपको प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट आपको इनके रीजन पता होने चाहिए मान लीजिए कि आपको दुकम पोर्ट दे दिया तो आपको पता होना चाहिए भैया ओमान से एसोसिएटेड है जैसे ही आपको सबांग पोर्ट दे दिया आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है जैसे ही अजामशन आइलैंड दे दिया आपको पता होना चाहिए सेशल से एसोसिएटेड है सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट पीपल टेन टू मिस एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑल दो पॉइंट्स जो कि आपको वो दो चार नंबर दे जाते हैं जो कि रैंक्स में डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है जी याद रहेगा आई होप हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम आर वेबसाइट एंड कीप ऑन रीडिंग दैम आप देखोगे बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है दोस्तों जो आपको मिलेंगी छोटी छोटी चीजें दैट वी डिस्कस हियर दैट विल एक्चुअली गेट यू अ रैंक ठीक है जी चलिए दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड आई एल सी समल दैस्ट बै तो आइए शुरू करते हैं आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स। सबसे पहले टॉपिक में हम बात करेंगे हरियाणा ने जो रिसेंटली आपका एक कोटा लॉ निकाला है जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो 75% परसेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स अब उनके स्टेट में एक स्पेसिफिक

मंथली सैलरी आपकी फिफ्टी थाउजेंड तक की है ठीक है तो इन ये बेसिकली एक सैलरी स्लैब रखा गया है और ये आपका चेंज भी किया जा सकता है सरकार द्वारा टाइम टाइम टू तो हालांकि ये बिल तो आपका नवंबर में ही पास हो गया था बट जो ये रिसेंटली आपका बिल अब एक्ट में चेंज हो रहा है या फिर जो लॉ में ये चेंज हो रहा है बेसिकली आपका कौन कौन सी चीजों पर एप्लीकेबल है कौन कौन सी फॉर्म इसके अंदर आएंगी कि जितनी भी आपकी कंपनीज हैं सोसाइटीज हैं ट्रस्ट हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं पार्टनरशिप फर्म्स हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉय करता है दस से दस या दस से ज्यादा लोगों को तो उसे एक एंटिटी कहा जाता है ठीक है जी तो ये इन सभी तरीके की जो आपकी फर्म्स रहती हैं इन सभी पर ही आपका ये एप्लीकेबल रहेगा ठीक है जी तो इसी तरीके से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 2019 में इस तरीके का ही एक निकाला था, जिसे कोर्ट में चैलेंज इज टू बी हर्ड ऑन मैरिट और अभी तक ये आपका केस वैसे का वैसे ही कोर्ट में पेंडिंग है ठीक है जी तो काफी हम कह सकते हैं डिबेटेबल टॉपिक है कि आपकी जो रिजर्वेशन की प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है क्या वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सटेंड कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसे और बेहतर समझने के लिए आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके के लीगल इश्यूज रहेंगे

बताई कि 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस तरीके का आपका लॉ निकाला था। फिर लास्ट ईयर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सारी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ठीक है जी कि जो वहां का जिनका डोमिसाइल रहेगा उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी जिसके चलते काफी फंडामेंटल क्वेश्चंस

एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो हम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखती है सरकार तो वो बेसिकली जो उसकी पावर्स उन्हें प्रोवाइड की गई है संविधान में आर्टिकल 16 पार्ट 4 में तो बेसिकली उसी के द्वारा करती हैं जो कि ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच

आपके सर्विसेज में एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वो उसके लिए रिजर्वेशन वहां पर लगा सकते हैं ठीक है जी ये तो रही आपकी क्या लीगल इश्यूज हैं इस तरीके के लॉस में फिर हम बात करें कि सरकार का क्या रहता है कि वो जो चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को इस रिजर्वेशन के एम्बेट में लेके आना तो उसमें बेसिकली सरकार यही कहती है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो आपकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती है काफी फॉर्म्स में ठीक है जी फ्रॉम असेसिंग लैंड थ्रू सब्सिडाइज अलॉटमेंट टू रिसीविंग रिजर्वेशन तो पॉलिसी right तो ये बेसिक सी बात यहाँ पर सरकार अपने तरीके से रख रही है अपना आर्ग्यूमेंट रख रही है इस तरीके के लॉज लाने में और बेसिकली आपका इसी तरीके का आर्ग्यूमेंट जब आपके प्राइवेट स्कूल को राइट टू एजुकेशन एक्ट के आधार पर कंप्लाई करने के लिए कहा गया था तो उस दौरान भी इसी तरीके का आर्गुमेंट रखा गया था कि वो भी आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कर यूज करते हैं ठीक है जी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था तो क्या ये

एंड सेक्स ठीक है जी और इसी तरीके का आपका एक एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट कनाडा में भी है जो कि प्रोटेक्ट करता है माइनोरिटी ग्रुप्स को वहां पर स्पेशली जो आपके ऑरिजिनल्स है डिस्क्रिमिनेशन इन द फेडरली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज इवन इन द प्राइवेट सेक्टर ठीक है जी

एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तो बेसिकली जो नए रूल्स हैं उसके आधार पर जो स्कोप है कंप्लेंट्स का वो भी बढ़ाया गया है कि जो पहले आपकी सिर्फ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डेफिशिएंसीज इन द सर्विसेज ऑन द पार्ट्स ऑफ इंश्योरर एजेंट्स ब्रोकर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज पहले इसी तक लिमिटेड था अब इसे और ज्यादा यहां पर इसका स्कोप बढ़ाया गया है ताकि जितनी भी इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती हैं ठीक है जी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स उनकी जो कंप्लेंट्स रहती है उन्हें बेटर वे में वेजोल्व किया जा सके उनके ज्यादा से ज्यादा ग्रीवेंसिस को यहाँ पर रिजोल्व किया जा सके फिर उसके साथ के साथ जो आपके इंश्योरेंस ब्रोकर है उन्हें भी अब आपके बुट्समैन मैकेनिज्म के अंडर लाया गया है और इससे जो आपका बुट्समैन है वो भी एम्पावर हो गया है कि वो किसी प्रकार के आपके वार्ड पास कर सकता है अगेंस्ट द इंश्योरेंस ब्रोकर और जितने भी अब पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपनी जो कम्प्लेन्ट सबमिट करते हैं बुट्समैन को वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं ठीक है जी साथ उन्होंने कम्प्लेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम की भी स्थापना की बात की गई है जिसके चलते जितने भी पॉलिसी होल्डर्स रहेंगे वो अपनी कंप्लेन यहाँ पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं

वो वैकेंसी है उसे जब तक फिल करें तब तक वो चार्ज वहां पर संभाल सके ठीक है जी इसी तरीके काफी अमेंडमेंट्स हुई हैं ताकि जो की सिलेक्शन प्रोसेस है उसे और ज्यादा इंडिपेंडेंट और और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके फिर इसमें आपकी एक सिलेक्शन कमेटी भी इंक्लूड की जाएगी जिसमें बेसिकली आपके एक इंडिविजुअल अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट्स और एडवांसिंग ऑफ़ कंज़्यूमर प्रोटेक्शन इन द इंश्योरेंस तो काफी अच्छे स्टेप्स लिए ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो आपके कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करते रहे हैं ठीक है जी और एक और काफी खास पॉइंट की इससे पहले आपका जो ये मुटसमिज्म था एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था आपका काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस द्वारा अब उसे रीनेम कर दिया है काउंसिल फॉर इंश्योरेंस तो ये बेसिक से आपकी चेंजेस हैं जो कि आपके एम्बर्ट्समैन रोज 2017 में लाए गए हैं एडिशनल लर्निंग बेसिकली आपको पता ही है एम्बुट्समैन

कि किसी प्रकार का कोई डिले हो रहा है इन द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स या फिर अगर कोई आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है जिसका इश्यू ही नहीं हुआ है आपको ठीक है जी आफ्टर यू पे योर प्रीमियम तो ये बेसिक सी हम कह सकते हैं क्राइटेरिया हैं जिससे रिलेटेड आप को कंप्लेंट लिख सकते हैं ठीक है जी और कौन ये कंप्लेंट लिख सकता है कि बेसिकली जो सबसे पहले उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया हो कंप्लेंट के साथ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो या फिर उसे रिजॉल्व नहीं किया हो किसी भी इंश्योरर की सेटिस्फेक्शन के लेवल तक या उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया हो तीस दिनों तक और जो कंप्लेंट है वो pertains करती है टू एनी पॉलिसी यू हैव टेकन इन योर कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल और जो वैल्यू है उस क्लेम का इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस क्लेम टू आपका 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब ये काफी एक इंपॉर्टेंट है और यही हमने आपसे क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा गया था तो बेसिक की डिटेल्स थी आपके टॉपिक्स रिलेटेड आई होप आपने ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लियो क्योंकि इस तरीके की जो आपके चेंजेस रहते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म या किसी भी इम्पोर्टेंट बॉडी में तो वो काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जहां पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है जी और वो सरकार से अलग व्यूज़ आपके वो आपके सेडिशन के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो चार्ज इम्पोज कर दिए जाते हैं बट वो कन्वेक्ट नहीं होते हैं तो रिसेंटली ही एक तरह सुप्रीम कोर्ट में प्ली रखी गई थी ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो बेसिकली उसी से ही रिलेटेड आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर कोई भी इस तरीके के अपने कर रहा है जो कि आपकी से अलग सकता था। और इसमें कुछ और भी चीजें कही है सरकार ने जो की आप सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो की आपके काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना की सबसे पहली बात की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो भूल जाती है फैक्ट की जो सेंटिमेंट है इट कुड है

और बेसिकली अगर हम आपके नेशनल तो राइज हुआ है ठीक है जी सेडिशन के में काफी राइज हुआ है है बहुत ही कम लोग किए गए हैं इसमें कि राइज तो होता जा रहा है कि आपका इसका ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है बट जो कन्विक्शन का ग्राफ है वो कम होता जा रहा है ठीक है जी कि आप जो पुलिस है वो जनता को बुक तो कर रही है चार्ज बट उसे प्रूव नहीं कर पा रही है कोर्ट में इस तरीके के जो हम कह सकते हैं लोगों को कस्टडी में लिया जा रहा है स्टडीशन के चार्जेस पे तो एक तरीके का एक सरकार यहाँ पर मैसेज सेंड कर रही है अपनी ही जनता को या तो ओबे कीजिए आप जो भी सरकार रूल्स निकाल रही है जो भी सरकार लॉज निकाल रही है या जो भी उनकी फंक्शनरी है उसे ओबे कीजिए या फिर आप कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने के लिए तैयार रहिए इससे रिलेटेड आपका ये एक सेक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 124 ट्वेंटी ऑफ द इंडियन पिनल कोड आप देख सकते हैं इसके डेफिनेशन यहाँ पर प्रोडक्ट है कि अगर किसी प्रकार के कोई शब्द कहे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं कोई साइंस के द्वारा कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी भी प्रकार का एक तरीके का हेटेड या फिर कंटेम्प्ट <clears throat> लाने की कोशिश की जा रही है और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिस गवर्नमेंट तो बेसिकली Law के आधार पर उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी हो सकती है जी कि आपका फाइन भी यहाँ पर लागू किया जा सकता है इंप्रिजनमेंट भी की जा सकती है दोनों चीजें भी हो सकती है तो बेसिकली आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका इस चीज से रिलेटेड आपका एक सेक्शन है आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ऑफ द इंडियन पेनल कोड और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस रखी हैं बेसिकली आपके 1962 में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 124 ए जिसके बारे में उन्होंने भी बात की तो आपका एक केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था तो बेसिकली उन्होंने इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इस सेक्शन की उसे अपहेल्ड करते हुए कहा कि जो इसकी

बलवंत सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब बेसिकली जिसमें कुछ व्यक्ति थे जिन्हें एक्विट कर दिया गया था फ्रॉम द चार्जेस ऑफ रेडिशन फॉर शाउटिंग स्लोगन जैसे कि आपका खालिस्तान जिंदाबाद राज करेगा खालसा तो बेसिकली आपके एक सिनेमा घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा था आफ्टर द इंदिरा गांधी असैसिनेशन तो कोर्ट ने बेसिकली यहां कहा था कि अगर मेयर कोई सिर्फ स्लोगन सी वहां पर बाहर बोल रहा है जोर जोर से तो उसके चलते यहाँ पर आप सडिशन के जो चार्जेस आपको अप्लाई करने हैं तो इतना आपके पास कंटेंट नहीं है कि आप वहां पर उसे कन्विक्ट कर सकें सडिशन के साथ कि सिर्फ स्लोगन ही वहां पे किए जा रहे हैं किसी प्रकार की कोई डिसऑर्डर क्रिएट करने की इंसाइटमेंट नहीं है वहां पर किसी प्रकार का कोई वॉयलेंस क्रिएट करने का वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो बेसिकली ये कुछ क्लॉज रखे गए हैं जिसके आधार पर आपकी सडिशन कन्वेक्ट तभी होगा जब आपके ये बेसिक सी जो हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी कि पहली बात जो लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी का है उसे डिसरप्ट करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है वायलेंस इंसाइट करने की वहाँ कोशिश की जा रही है सो बेसिकली मेयर स्लोगनिंग एंड मेयर पुटिंग

आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जहां पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपकी रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लिए आपकी लोकल बॉडीज में ये 50 परसेंट ऑफ द टोटल सीट से ज्यादा नहीं होगी ठीक है जी तो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन हटाया ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति एक्ट ऑफ 1961 जिसके आधार पर रखा गया था कि मैंडेटरी रहेगा सरकार के लिए कि वो प्रोवाइड करें 27 परसेंट रिजर्वेशन टू द दीसीज इन द लोकल बॉडीज तो बेसिकली उन्होंने पिटिशन देखी इससे रिलेटेड और ये बताया कि ये जो आपका सेक्शन है इस एक्ट का ये एक तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा है कि जो आपका रिजर्वेशन है के लिए तो वही सिर्फ एक स्टेटोरी डिस्पेंशन है जो कि प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट लेजिसलेशन द्वारा ठीक है जी और ये आपका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है रिलेटेड टू एंड तो ये उस चीज से रिलेटेड नहीं है ठीक है जी तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जो आपके ओपीसी है जो आपके ओबीसी हैं, वो रिजर्वेशन रख सकते हैं अप अपटू 27 बट जो आपकी टोटल रिजर्वेशन रहेगी चाहे वो आपकी एस एसटीज़ हो या, हो, या हो, ये आपकी परसेंट से ज्यादा नहीं होगी तो इसी को मद्देनजर रखते हुए basically, ने जो भी आपकी, की थी उन्हें क्वाश कर दिया है जो की प्रोवाइड करे थे रिजर्वेशन फॉर मोर देन फिफ्टी परसेंट टू दी सीज एंड एस सी एस टीज इन दिल्ली परिषद पंचायत समितिज ऑफ द वाशिम अकोला नागपुर एंड बास ठीक है जी और बेसिकली जितने भी आपके कैंडिडेट्स का इलेक्शन हुआ था इन डिस्ट्रिक्ट्स में 2019 और 2020 में उसे भी कैंसिल करते हुए यहाँ पर फ्रेश पोल्स के ऑर्डर दे दिए और साथ साथ सरकार को भी ये कहा गया है कि वो कंप्लाई करें विद सम बिफोर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू समीज इन द लोकल बॉडीज इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर बात की है एक डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना करने की ताकि वो इस तरीके की आपकी रिग्रेस इंपेरिकल इंक्वायरी कंडक्ट कर सके इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द लोकल बॉडीज की किस तरीके से वहां पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है ठीक है जी जो आपकी रिजर्वेशन है उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा उसे स्पेसिफाई करें ठीक जी और किसी भी केस में जो आपकी रिजर्वेशन है वो बता दी गई है कि 50% अगले टॉपिक की सरकार प्लान कर रही है कि आपकी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को एस्टेब्लिश करने में इसमें जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की तो उन्होंने कहा है कि सरकार डिस्कशन कर रही है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ताकि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का स्थापना की जा सके ताकि आपके बेस्ट माइंड को यहाँ ड्रॉ किया जा सके व्या कंपेटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि आपके ऑल इंडिया सर्विसेज हैं यहाँ पे आपके सिविल सर्विसेज भी आती हैं पुलिस सर्विसेज ये सभी चीजें ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती हैं तो उसी तरीके से आपका एक ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम की भी यहाँ पर बात की जा रही है तो आइडिया क्या है कि क्लस्टर बनाएंगे ग्रुपिंग्स के जैसे कि आपके ईस्टर्न इंडिया का हो गया नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया का हो गया और उसमें आपकी रिजर्वेशन भी रहेगी एस सी एस टीज एंड ओपीसी फॉर द इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ द जुडिशरी सो बेसिकली ये जो आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेस है तो जैसे आपका ऑल इंडिया सर्विसेज़ होता है की पहले आपकी सिलेक्शन होती है फिर उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में जाकर अपॉइंट करती है तो उसी तरीके से भी यहाँ पर भी यही रखा जा रही है बात कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका एक सेंट्रलाइज्ड कैडर की क्रिएशन की जाएगी जो कि रिक्रूट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपके एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन द्वारा फिर उन्हें हर एक स्टेट एलोकेट की जाएगी जैसे कि आपके ऑल इंडिया सर्विसेज में की जाती है करेंटली क्या है कि जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस सबॉर्डिनेटेड सबोर्डिनेट जुडिशरी की वो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा की जाती है तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल था यहाँ पर हटा के यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बढ़ाया जा रहा है तो इस तरीके का जो आपका ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है ये पहले भी प्रपोज की गई है आपकी लॉ कमीशन में लॉ कमीशन द्वारा 1958 में और दोबारा से आपका ये प्रोविजन रखा गया था इन आर्टिकल 312 थ्रू आपका किस तरीके से लागू करती है तो बेसिकली इसके दोनों ही फायदे भी हैं नुकसान भी है, कि फायदे क्या है, कि जितनी भी है वो प्रॉपरली यहाँ पर एड्रेस की जा सकती है एक क्वालिटी ऑफ जस्टिस यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि आपका बेस्ट टैलेंट यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा आपका यूनिफाइड ऑल इंडिया जुडिशरी होगी तो एक आइडिया जो है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो वो भी यहाँ पर स्ट्रेंथ

ठीक जी, जी जो उनके कोर्ट्स है वहां पर जितनी भी आपकी, होती हैं, वो आपकी लोकल में भी लिखी जाती हैं तो अगर आपका उनकी, बेसिक से आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 तो वन बेसिकली एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी सीज तो यूएस का एक थिंक टैंक हम कह सकते हैं इसका नाम है है फ्रीडम हाउस ठीक जी यूएस का ही आपका एक एनजीओ है तो उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टीज जिसमें उन्होंने जितनी भी आपके कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड उन्हें रेट किया है तो इंडिया का जो स्टेटस है बेसिकली कि

टली तो कि ब्लेम किया जा रहा है स्प्रेड ऑफ वायरस एंड फेस अटैक्स बाय द विजिलेंटी मॉप ठीक है जी फिर आपकी जो सोशल मीडिया रही सरकार द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी का शट रहा कश्मीर और

जो आपका सरकार का रिस्पांस रहा कोविड-नाइनटीन से रिलेटेड तो वो भी काफी एक यहाँ काफी एक लॉकडाउन पर किया जिसकी वजह से अनप्लेस्ड सॉरी अनप्लान डिस्प्लेसमेंट हुई ऑफ द मिलियंस ऑफ द इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स काफी डेंजरस डिसीजन भी था ये तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पिछली बार का स्कोर इंडिया का क्या था यहाँ पर 71 ठीक है जी यार यहाँ पर वो 67. हो चुका है 100 में से तो पहले ही आपकी फ्री कैटेगरी में था अब आपका पार्टली फ्री कैटेगरी में आ गया है इसके अलावा और कौन-कौन से रीजंस थे कि जो पॉलिटिकल राइट्स हो जो सिविल रिपर्टिस हैं जब से आपकी नई सरकार की स्थापना की गई है 2014 में तब से ये पाया गया है कि उनकी काफी डिटेरियेशन होती जा रही है जिसकी वजह से आपका यह रैंक आया है इंडिया के हम कह सकते हैं पर्टिकुलर स्कोर आया है सरकार का काफी इंटेंस क्रैकडाउन भी रहा है ऑन प्रोटेस्टर्स जिन्होंने अपोज किया है आपके सिटीजनशिप लॉ को काफी जर्नलिस्ट को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है हु एड क्रिटिसिज्म ऑफ ऑफिशियल पेंडेमिक रिस्पांस तो ये बेसिक से रीजन है जो कि इस रिपोर्ट में लिखे गए हैं जिसके आधार पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो फ्री से पार्टली फ्री पर आ गई है तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए से कि क्या क्या इंडिकेटर्स ये रिपोर्ट यूज करती है इलेक्टोरल प्रोसेस को ये यूज करती है पोलिटिकल या फिर क्या इस तरीके से पार्टिसिपेशन रहती है किस तरीके से फंक्शनिंग है सरकार की क्या एक्सप्रेशन और बिलीफ की फ्रीडम है यहाँ पर या नहीं है जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल राइट है यहाँ पर जो आपके एसोसिएशनल राइट्स हैं क्या वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं रूल ऑफ लॉ यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है नहीं फिर आपका जो पर्सनल अटोनमी है या फिर जो इंडिविजुअल राइट है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं तो ये बेसिक से इंडिकेटर्स है जिसके आधार पर रिपोर्ट जो पर्टिकुलर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें इंडिया की ये रैंकिंग रही है बाकी स्टेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी यूनाइटेड स्टेट्स होगी उसकी एटी थ्री यहाँ पर रखी गई है चाइना की सिर्फ नाइन ही है और ये आपका नॉट फ्री कैटेगरी में है ठीक है जी पाकिस्तान भी आपका पार्टली फ्री कैटेगरी में बाइ स्क्योरिंग थर्टी सेवन तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट है जो की आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जो आपके टॉप रैंकर्स रहते हैं जैसे कि आपके यूरोप नेशंस हो गए जर्मनी नॉर्वे तो उनके बारे में भी पता होना आपको जरूरी है तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में तो इंडिया चाहता है कि जो आपका पोर्ट है उसे इंक्लूड किया जाए जो हमारा एक थर्टीन नेशन का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि आपका इंडिया से रशिया तक एक्सटेंड करता है तो ये इंडिया चाहता है कि यहाँ पर जो ईरान का आपका छाबर पोर्ट है उसे भी इंक्लूड किया जाए इस कॉरिडोर में ताकि काफी इससे बेनिफिट होगा ठीक है जी साथ के साथ के जो जो हमारी IINSTC की मेंबरशिप है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तो इसमें चाहती है इंडिया की अफगानिस्तान और उजबेकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाए ठीक है जी तो ये दो डिमांड्स इंडिया ने रिसेंटली ही एक थ्री डे मेरी इंडिया का जो सबमिट हुआ था उसमें रखी थी तो बेसिकली जो आपका छाबर पोर्ट है उसकी काफी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है कि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं अमंग इंडिया ईरान अफगानिस्तान उजबेकिस्तान और जो बाकी के आपके कॉमनवेल्थ स्टेट्स है वहां पर ठीक है जी और इसकी वजह से जो आपका ट्रेड है वो भी काफी बूस्ट करेगा तो अगर हम बात करें आई के बारे में तो बेसिकली ये जो कॉरिडोर है आपका ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप रेल एंड रोड रूट ठीक है जी ताकि जो आपका फ्रेट है उसे मूव किया जा सके बिटवीन इंडिया ईरान अफगानिस्तान अजरबैजान रशिया सेंट्रल यूरोप तो ये बेसिकली एक यहाँ पर कॉरिडोर तैयार किया गया है और बेसिस ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यहाँ पर टाइम लगता है इस तरीके का आपके शिपमेंट को मूव करने में उसे रिड्यूस किया जा सके जो कॉस्ट इसमें बियर करनी पड़ती है उसे रिड्यूस किया जा सके कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके बिटवीन द मेजर सिटीज जैसे कि आपकी मुंबई मॉस्को तेहरान ठीक है जी बंदर

चाइना की ईस्ट वेस्ट पॉलिसी है ठीक है जी जो नया सिल्क रोड प्रोजेक्ट है उनका उसे भी यहां पर एक तरीके से काउंटर ही प्रोवाइड करेगा साथ ही साथ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जितना ज्यादा ये एक्सपैंड करता जाएगा फ्यूचर में तो जो आपका अफ्रीका है वो भी अमेरिका के साथ कनेक्ट कर सकता है बट एशिया के थ्रू ठीक है जी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनएसटीसी और इस पर काफी काम भी किया जा रहा है इस कॉरिडोर के ऊपर पर्टिकुलरली तो यही आज के आपके बेसिक से टॉपिक्स थे जो कि आपके काफी टाइम से पेंडिंग थे जो कि हमें प्रीक्योर में कवर करने थे तो आई होप आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हो तो हमारी जो पीडीएफ डी रिलेटेड वो तो हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी बट साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपकी ये टॉपिक्स आप रिवाइज करते रहे टाइम एंड अगेन और इन्हें आप इजिली रिटेन कर सकें ठीक है जी सो देट विल बी ऑल ऑल द वेरी बेस्ट हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में दोस्तों प्री क्योर वापस शुरू करते हैं ठीक है दोस्तों तो प्री क्योर में सबसे पहली बात तो है कि ये फर्स्ट टू थर्टीनथ मार्च 2021 को कवर करते हैं ये न्यूज़ एंड दोस्तों बहुत सी न्यूज़ सर कवर करते जा रहे हैं डी एन डी इनिशिएटिव में बहुत डिटेल में जा चीज़ें कवर कर रहे हैं तो अगर आप चीज़ें फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मदद होने वाली है उन सब चीज़ों से ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर और भी ऐसे कुछ अगर एक्स्ट्रा न्यूज़ मैं आपको चाहूँ रैपिडली आपको रॉपअप करना है फर्स्ट टू टू थर्ट

बताते हैं कि कौन सी कौन सी कंट्रीज जो यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हैं जहां पर जो यूएस में अगर जो यूएस की कंपनीज हैं जो अमेरिकन कंपनीज हैं यूएसए की कंपनीज उनके फायदे की बात नहीं हो रही ठीक है तो ये जो यूएस टी आर ऐसी रिपोर्ट सौंपता है उसमें थ्री जीरो वन रिपोर्ट आप उसको एक बार देख भी सकते हैं हमने बहुत बार कवर की आगे भी कवर करते रहेंगे ठीक है वो उसमें बात भी करते हैं सैक्शन लगाई जाती हैं कि इनसे ट्रेड नहीं करेंगे एक्सेट्रा तो वो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भारत का भी जिक्र है जैसे तो भारत के जिक्र की बात है वहाँ पर, वो बोलते हैं कि कि भारत अच्छी डेस्टिनेशन है बहुत लेकिन ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बहुत है एंड अकॉर्डिंगली in उसके तहत चलते भारत अपनी ज़्यादा जो फायदा या फिर तवज्जो देता है इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू यूएस कंपनीज तो ये बात जो उनको यूएस वालों को जो पसंद नहीं आती एंड इसीलिए बोलते हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन दैट मीनस जो भी यूएस कंपनी चाहती है प्रोवाइड करना वो भारत खुद बनाने लगा हुआ है ठीक है तो इसके चलते वो कहने जो जो प्रीवियस हमारे थे जो के कौन से लिखते हैं वो जो जो वो जो जो ट्रंप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस थे लिखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने वहां पर इसी कारण भारत से जो बहुत सारा जो जीएसपी को भी विड्रॉ कर लिया था एक जीएसपी पर हमारा दोस्तों वीडियो अवेलेबल है ठीक है वॉट इज जीएसपी आप उसको देख भी सकते हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं भारत से जीएसपी विड्रॉ भी कर लिया था एंड अकॉर्डिंगली एक ट्रेड डील दूसरी दी थी ठीक है तो ये जो उसमें जिक्र हुआ तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड दोस्तों एक और बात हम हर रोज़ पांच मेंस के सवाल डिस्कस कर रहे हैं ट्वेल्व पी एम डिस्कस हो जाते हैं ठीक है ये शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव है पाँच सवाल हर रोज डिस्कस करने का क्योंकि पंजाब का पी का मेन्स है जिसमें डेट जो डेज बहुत कम है तो हम यहाँ पर जो ओवरऑल प्लान है सिक्सटीन डेज का प्लान है सोलह दिन में पाँच सवाल दैट मीन्स एटी क्वेश्चन बहुत जल्दी डिस्कस हो जाएंगे हर रोज जैसे जी एस वन का भी जी एस टू थ्री एंड फोर ऐसे चलेगा और राइट चलिए वापस आते हैं यहाँ पर वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं दो हज़ार चौदह में लॉन्च हुआ था यू यू पी एस सी इस पर प्री में सवाल पूछ चुका है वैसे एंड देन ये चाह रहे थे कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग सब वैसे सबको इंक्रीज़ करना एंड बहुत सारी जॉब्स लाने की बात की गई थी कि दस करोड़ के आसपास जॉब्स लाई जाएंगी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जुड़ी हुई 2022 तक ऐसा नहीं हो पाया वैसे एंड देन 12 टू 14 परसेंट पर एन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा ये भी नहीं हो पाया ठीक है एंड नॉट दैट कि कोरोना आ गया उसके पहले भी तो मेक इन इंडिया बहुत ही एम्बीशियस प्रोजेक्ट एंड अभी लेकिन अभी फ्रूटफुल होता हुआ नज़र थोड़ा नहीं आता ओके okay. देन दोस्तों जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत स्पेक्ट्रम की ऑप्शन कर रहा है एंड अगर यहाँ पर हम बात देखें स्पेक्ट्रम क्यों चाहिए होता है स्पेक्ट्रम के बैंड्स चाहिए होते हैं वेरियस जो फ्रीकवेंसीज पे वेरियस चीज़ें काम करती हैं आप देख भी सकते हैं कि फोर अगर आप देखें तो सेवन हंड्रेड मेगा के आसपास काम करता है एंड अकॉर्डिंगली देखिए यहां पर एक जो सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट जो बात जानने वाली है कि अगर जो लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन होती हैं जितनी फ्रिक्वेंसी लो रहेगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस जा सकती है वो लेकिन अगर यहाँ पर एक बात देखें कि जो अगर लेकिन लो फ्रिक्वेंसी है डिस्टेंस ज़्यादा जा सकती है लेकिन डेटा कम कैरी कर पाती है वो ठीक है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने टू एंड फ्रो चक्कर लगा रही है अपने सोर्स से जो चीज़ टू एंड फ्रो कितने जल्दी रैपिडली चक्कर लगा पाती है इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं ज़्यादा दूर तक जा पाएगी लेकिन डेटा कम कैरी करेगी ये बात सही नहीं है डेटा तो हमें ज़्यादा ज़्यादा चाहिए दैट मींस हमें हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए वो लेकिन अब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी वो क्योंकि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको जो ज़्यादा उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाती हायर फ्रिक्वेंसी इसीलिए जो बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ते हैं जगह जगह पर ताकि हम जो एक जगह जो आप जो एरिया कवर कर रहे हैं वो ज्यादा कवर हो पाए तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के परस्पेक्टिव से लेकिन स्टिल यहां पर जो न्यूज चलते हैं आपको समझाता हूँ मैं ठीक है दोस्तों वो कह रहे हैं कि भारत अगेन जो भारत में कौन भारत की यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि जितनी भी एयरवेव्स हैं एयरवेव्स आगे फर्दर डिवाइडेड रहती है फ्रीक्वेंसीज़ में ठीक है तो ये जो बैंड्स कहते कहलाते हैं जो बैंड्स में फ्रीकवेंसीज होती हैं कि 800 सौ मेगा हर्ट्स वाला बैंड 2100 सौ नौ सौ तेईस सौ है ना ये बहुत सारे बैंड्स रहते हैं एंड जो फ्रिक्वेंसी के सेवन बैंड्स हैं जिनको ऑप्शन किया जाता है एंड भारत सरकार किसके डी के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन उसके थ्रू ऑप्शन करता है अपने बैंड्स को एंड अकॉर्डिंगली वेरियस कंपनीज बेड लगाती हैं एंड भारत सरकार इससे पैसा भी कमाती है ओके ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर अगर आपसे एक सवाल मैं चाहूँ पूछना कि पहला जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये स्पेक्ट्रम की सेल करी जाती है स्पेक्ट्रम मतलब जो ये एयर बैंड एयर वेव दी जाती हैं ये भारत या तो कैपिटल आप मुझे बताना है ये कैपिटल रिसीट में आता है या रेवेन्यू रिसीट में आता है ठीक है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि कैपिटल रिसीट का पार्ट है या रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है ओके okay, वैसे हमने डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर्स में ऑल चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं थर्ड टॉपिक पर आते हैं कि भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे सेस एंड बहुत सारे जो सर चार्जेस लगाती है सर ने डिस्कस भी किया था ये एक्सटेंसिवली डी में लेकिन क्विकली मैं आपको फिर से समझाता हूँ ठीक है जो फाइनेंस कमीशन को चिंता हो जाती है फाइनेंस कमीशन यही कह रहा है फाइनेंस कमीशन का एक बात क्या है यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बोल रहा है कि जितना भी आपके पास जो टैक्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स को डिवाइड आइडियली जो स्टेट के साथ भी करना चाहिए लेकिन अब जो सभी के सभी जितने भी टैक्स हैं वो सभी के सभी डिविजिबल पूल का पाल तो पार्ट तो नहीं होते ठीक है दोस्तों तो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है दैट मीन्स कि कुछ हिस्सा जो टैक्स का ऐसा भी है जो सेंटर सिर्फ अपने पास रखेगा स्टेट को डिवाइड नहीं करेगा ठीक है वो कौन सा है जो सेस एंड सर चार्जेस ओके सेस एंड सरचार्ज क्या रहते हैं ये भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो तो बेटर है पॉलिटी में आप इसको और देर थोड़ा देख सकते हैं ओके ये टैक्स डेवल्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि अगर जो अगर जो सेंटर जितने भी नए नए तरह के टैक्स लगाएगा अगर जो नई नई तरह के जो 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 कर इकट्ठा कर रहा है अगर वो सेस और सरचार्ज लगा के करता रहेगा तो स्टेट्स को कुछ नहीं मिलने वाला सेंटर के पास ही इकट्ठा होता रहेगा बहुत सारा पैसा स्टेट के पास नहीं जाएगा तो इसलिए जो फाइनेंस कमीशन वो कह रहा है कि अब जो इसी कारण से जो सेंटर की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है लेकिन

ठीक है तो यहाँ पर इसीलिए जो जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट वगैरह दे रहा है फाइनेंस कमीशन बोल रहा है कि स्टेट्स के पास ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है प, पेंडेमिक भी था एंड उसके कारण जो फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में बात की गई है उसमें भी थोड़ी रियायत दी गई है हमने पहले भी देखा है ठीक है कि जो जो फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब कि अगर स्टेट्स के खर्चे बढ़ गए हैं इनकम कम है तो कैसे इसको कंसोलीडेट किया जाए आने वाले सालों में तो जो स्टेट्स को बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं ठीक है एंड जो फाइनेंस कमीशन है वो भी कहा था कि हमने फोर्टी जो डेवल्यूशन को घटा के फोर्टी कर दिया वो तो इस कारण से किया था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट अब अब जो स्टेट था पहले अब वो यूटी बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए पैसा अलग से देगी ओके okay, ठीक है तो मतलब स्टेट के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब वो यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो टेरिटरी है okay, ओपेक ओपेक आपको पता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज रहती हैं उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो यहाँ पर जो भी अगर भारत की बात करें पर्टिकुलरली तो भारत बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ऑयल इंपोर्ट करता है एंड जो भारत दुनिया का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है अभी 84 परसेंट जो भारत की रिक्वायरमेंट है ऑयल की बाहर से आती है एंड वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली जैसे सऊदी अरब एट्सट्रा ये बहुत डिमांड भारत की पूरी करते हैं एंड जो जितना अगर हम इतना देखो ऑयल कंज्यूम करते हैं तो ऑयल की प्राइसेज अगर फ्लक्चुएट करेंगी इंटरनेशनल मार्केट में हमें चिंता हो जाएगी तो इसलिए ओपेक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपेक ने अगर देखिए अगर ओपेक कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं अगर वो सप्लाई बढ़ा दें सप्लाई बढ़ा दें तो थोड़ी दाम कम हो जाएंगे तेल के उन्होंने कहा है कि वो जो दाम नहीं जो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली दाम कम होने के चांसेस थोड़े कम हैं ठीक है थीके? तो ओपेक तो एक कंट्रीज का जो 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 संगठन है ये ओपेक प्लस में थोड़ी और कंट्रीज भी आ जाती हैं एंड ध्यान देने वाली बात है यहां पर वेनेजुएला एक्सेट्रा कंट्रीज भी आ जाती हैं ठीक है थीके? जो, आ, जो जो हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ दोस्तों मैना मैना कंट्रीज होती हैं मिडिल ईस्ट एंड नदिन अफ्रीका जो नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं इसको मैना रीजन कहा जाता है आप मैना एंड स्लीपी क्लासेस करके सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो अगर आप फिलिम्स देने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो ये जो जो ओपेक प्लस कंट्रीज में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनका आप ध्यान रखें ऐसे पूछ ही जा सकती हैं ओपेक कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के पास है बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व होल्डिंग कंट्रीज में से एक वेनेजुएला लेकिन वेनेजुएला पर थोड़े सैक्शन लगाए हुए हैं यूएसए ने अकॉर्डिंगली वेनेजुएला का ट्रेड बहुत ज्यादा जो लोअर है वहां की जो करेंसी की हालात बहुत खराब है एंड वेनेजुएला ने एक पेट्रो नामक एक जो आपकी वर्चुअल करेंसी निकालने की बात भी की थी लेकिन अभी वो भी प्रोजेक्ट रुक गया ठीक है ओपेक की अगर हम बात करें 1960 में इसका गठन हुआ था बगदाद में ठीक है एंड जो इवन ईरान इराक कुवैत सऊदी अरब इन सब ने मिलकर ये फाउंडिंग मेंबर थे ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूस करती हैं ठीक है एंड ये ये जो एक परमानेंट बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि सरकारें मिलकर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती हैं प्राइवेट बॉडीज की ये एक कोई संगठन नहीं है सरकारों का संगठन है ठीक है एंड देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर वियना में है इंपॉर्टेंट जानना एंड जो कोई भी कंट्री का मेंबर बन सकती है अगर वो बहुत ज्यादा पेट्रोल या फिर ऑयल को एक्सपोर्ट करती है ओके ठीक है दोस्तों देन दोस्तों बांग्लादेश को यूएन अभी रिकमेंड कर चुका है कि वो एलडीसी जो सबसे गरीब कंट्रीज़ होती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके स्टेटस से बाहर लाया जाए दोस्तों वैसे एलडीसी कंट्रीज़ को बहुत सारी एग्जाम्पन्स मिलती हैं एलडीसी कंट्रीज़ को डब्ल्यूटीओ में एग्जाम्पन्न मिलती है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी जैसे मर्जी कर सकते हैं लिमिट्स नहीं होती है सब्सिडीज़ बहुत सारी रिसीव कर सकते हैं दे सकते हैं ठीक है बहुत सारी इन पर एग्जाम्शन होती हैं तो लेकिन अगर आप एल नहीं है आप डेवलपिंग हो जाते हैं या उसके बाद डेवलप्ड कंट्री का टैग मिल जाता है तो आप पे बहुत सारी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कि आप बहुत सारा

ह्यूमन एसेट्स का इंडेक्स होता है एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल वलरेबिलिटी का इंडेक्स फटाफट से देखते हैं इनको ठीक है तो ये दो बार जो रिव्यू किया गया दोनों ही बार इनका इंडेक्स जो देखा गया तीनों ही केसेस में इनकम पर कैपिटा ह्यूमन एसेट्स एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी ऊपर पाया गया जैसे जी की बात करें जो ग्रॉस नेशनल इनकम देखा गया कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है बांग्लादेश की वो तेरह जो बारह के अगर ऊपर मानी जाती है बारह के ऊपर दोस्तों हम उसको क्या मानते हैं कि अब आप डेवलप्ड कंट्री जो जो एल से ऊपर आ गए डेवलपिंग हो गए हैं बांग्लादेश की अठारह है ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स भी है वहाँ पर सिक्सटी पॉइंट होने चाहिए उसके ऊपर है सेवेंटी है इनकी इकोनॉमिक वनरेबिलिटी जो होनी चाहिए अगर बत्तीस से कम है दैट मीन्स जितना कम उतना बेटर तो इनकी ट्वेंटी पाई गई तो तीनों ही इंडेक्स में ये खरा उतरा बांग्लादेश एंड दो बार ठीक है तो दो बार खरा उतरा उसके कारण से बांग्लादेश को अब एल का टैग अब हट जाएगा एंड अकॉर्डिंगली बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएगा तो डिफरेंट तरह से उन पर अब जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी ओके ठीक है दोस्तों तो लेकिन ये म्यांमार एंड जो हमारे एक और कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट वो है उसका नाम है तिमोर ठीक है तो तिमोर लैसते कहाँ पर है इसकी लोकेशन देखिए तिमोर की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी बहुत पहले तिमोर पर सवाल पूछा है तब तो अर्थ को एक आया था तो पूछा गया था लेकिन स्टिल आप नजर बनाए रखें ठीक है एंड देन म्यांमार को भी बोला कि एंड तिमोर को रोक दिया गया क्योंकि पहली बात तो है कि जो कोरोना का चलते, अभी कुछ आइडिया नहीं है ना कि क्या पता आगे कंट्रीज फिर से गरीब ना हो जाए फिर से उनकी इनकम कम ना हो जाए ठीक है एंड सेकंडली म्यांमार में अभी सरकार तख्ता पलट भी हुआ तो अकॉर्डिंगली फिर से है कि शायद वहाँ पर जो अभी गरीबी एक्सेट्रा फिर से आ सकती है तो एंड देन इसके बाद जो यूएन की जो डेवलपमेंट कमेटी होती है इसके बाद प्रपोजल इकोसॉक का भेजा जाएगा जहां पर जनरल असेंबली में वोटिंग होगी एंड अकॉर्डिंगली वोटिंग में अगर पारित हो गया तो बांग्लादेश विल बिकम अ डेवलपिंग नेशन गेटिंग इट पे यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ चुका है ऑर्गन में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो सवाल पूछना बनता है आई में सवाल जीएसटू में आ चुके हैं ओके ठीक है दोस्तों देन अगली न्यूज पे चलते हैं यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोड्यूस जैसे हमारे देश में सात सौ अट्ठाईस हैं है सात डिस्ट्रिक्ट को हम अगर देखें कि इन पे फोकस बनाना है कि यहाँ पे अगर कोई सामान बनता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छी कोई चीज़ बनती है तो कैसे उसको और मार्केट किया जाए कैसे उसको पूरे देश भर में पहुँचाया जाए तो एंड इसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है एंड सरकार इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज देती है, है ना तो सरकार ने सोचा कि हम पंद्रह ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं सामान की एंड डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट ये बनाता है ये भी ये भी ये बनाता है ठीक है डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइज हो जाएंगे एंड ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी कौन सी Animal, Paltry, है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल पोल्ट्री है ना मिल्क ये बहुत सारी इनमें कैटेगराइज करें इससे कहते हैं फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि अब डायरेक्टेड थोड़ा फोकस्ड हमारा जो जाएगा जो जितना भी फार्मर्स को हमने जो सामान देना है या फिर जो हमने स्कीम्स जो चलानी है ओके okay. इसके लिए दोस्तों एक जो प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम भी है पी एम जो फॉर्म फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस लिखा हुआ तो चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा चलाई गई थी इसमें भी वन फोकस प्रोड्यूस का जिक्र किया गया था चाह रहे हैं कि हम जो हमारे एग्रीकल्चर से सामान बनता है उसको थोड़ा प्रोसेस करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं वीट से आटा बनाकर बिस्किट बनाएं क्योंकि बिस्किट बनेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है उसकी इनकम भी ज्यादा अर्न करता है वो ठीक है एंड शेल्फ लाइफ मतलब बहुत देर तक खराब नहीं होगा आटा तो खराब हो सकता है बहुत जल्दी ठीक है तो इसीलिए जो इसको इसको एक्सपोर्ट करना भी आसान रहता है तो भारत चाहता है कि इसीलिए हम जो सिक्सटी बिलियन डॉलर्स कमाएंगे जो दो तक हम एग्री एक्सपोर्ट्स को करके एंड देन पी एम स्कीम के बारे में भी आप जान सकते हैं कि दस करोड़ रुपए की बड़ी स्कीम है एंड देन उसके बाद जो भारत में जो माइक्रो जो फूड प्रोसेसिंग की जितनी एंटरप्राइजेज हैं कोई आचार बना रहा है कोई कुछ बना रहा है तो ये बहुत माइक्रो लेवल की हैं 25 लाख के आसपास जो यूनिट्स हैं वो जो कहां पर हैं रूरल एरियाज में है टू थर्ड ठीक है रूरल एरियाज में है अनएम्प्लॉयमेंट

बत्तीस की जो हमारी स्टेट्स हैं यूटीज़ को सब मिलाकर देखें अगर तो वहाँ पर जो चार ब्रॉडर पैमाने हैं कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स स्पेशल स्पेशल मतलब कि अगर हम देखें कि स्पेस वाइज देखें अच्छा ये वाला इलाका किसका वो इलाका किसका स्पेस में अगर स्पेस मतलब ज़मीन में अगर ना जैसे यहाँ से वहाँ मूव करके देखें तो हमें कितना नज़र आता है एंड देन जो कंप्यूटराइजेशन कितनी हो सकती है अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है एंड देन क्वालिटी क्या है लैंड रिकॉर्ड्स की इन चार बातों के यहाँ पर जो अकॉर्डिंगली इंडेक्स बनाया गया एंड स्टेट्स में इंप्रूवमेंट देखी गई है एन सी ए की रिपोर्ट है अपलाईड मिक रिसर्च है हमारा नेशनल एक हमारे पास एक जो काउंसिल है एंड नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इसका गठन हुआ था ओके okay. देन दोस्तों अभी यू एन जनरल असेंबली की बात करें उन्होंने दो हज़ार तेईस को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स घोषित कर दिया है भारत ही ये लेकर आया था भारत ने कहा था कि ज़रूरी है अगर हम दुनिया को पौष्टिक आहार चाहते हैं देना तो दुनिया भर मिलेट्स खाएँ एंड मिलेट्स का दोस्तों एक और फ़ायदा कह रहता है मिलट्स जो इकोलॉजिकली बहुत जो जो बढ़िया चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जो उनको रिक्वायरमेंट रहती बहुत गर्मी को भी ये सह सकते हैं

जो अब जो अगर अच्छा मान लीजिए ये जो ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर भी दिया है 2023 को सवाल पूछा जा सकता है कि कब घोषित हुआ है ठीक है तो कौन से साल को मनाया जाएगा लास्ट ईयर भी पूछा गया था ऐसा सवाल कि भारत में अगर देखा जाए तो जी कब होगी क्योंकि भारत के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में लास्ट ईयर बताया था कि हम जी के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो ये क्योंकि जी भारत में करनी है तो उस पर सवाल पूछ लिया गया इस बार फिल्म में तो दो को अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है तो मिलेट्स पर पी करना शुरू कर दीजिए ठीक है इससे क्या होगा अवेयरनेस बढ़ेगी ठीक है एंड अब मिलेट्स को ये जो अगर हमने ईयर घोषित कर भी दिया एंड देन क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छा है ये कल्टिवेशन जो अगर फार्मर्स के जो देखें तो इनकम भी प्रिजर्व हो सकती है क्योंकि अगर अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो जो खेती बाड़ी को नुकसान ना हो तो मिलेट्स उगाकर बच सकते हैं ठीक है बैलेंसड डाइवर्सिफाइड हेल्थी डाइट्स ठीक है एंड जो मिलेट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वास्ट होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी उससे भी फायदा हमें मिल सकता है ओके okay. अब जो इस पर एक बात जानने जरूरी है मेंस के लिए सवाल बन सकता है कि यूएन का जो डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन यूएन कह रहा है कि हमें न्यूट्रिशन पर एक्शन करना है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है तो 10 साल इसके लिए हम जो लगाएंगे तो उन 10 सालों में 2023 वुड बी डेडिकेटेड डेडिकेटेड टू जो मिलेट्स इससे हंगर रेडिकेट हो सकती है माल न्यूट्रिशन पर भी असर हो सकता है एफ को लाया गया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें अब देखिए दोस्तों भारत में जो कॉमनली उगाई जाने वाली मिलेट्स हैं वो हैं जोर बाजरा ठीक है रागी एंड देन जो झंडोड़ा body and congony कोदरा ओके okay. जी नाम याद रखें जितना हो सके पॉसिबल एंड देन जो यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ज्वार बाघरा रागी जो रागी हैं बाजरा रागी ये खरीफ क्रॉप्स हैं एम एस पी में भी शामिल हैं एंड देन उसके बाद देखें अगर जो जो और भी मिलेट्स हैं जैसे जो मिलेट्स मेज़ बारले इनको कोर्स सीरियल्स कहा जाता है ठीक है मिलेट्स जो मेज अगर देखें तो मिलेट्स के साथ मेज एंड बारले को भी ऐड कर लें तो ये कोर्स सीरियल्स कहलाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे देश की अगर देखें तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी एंड देन नेचुरली रिसोर्स सोर्स हैं वाइटाम्स की

ये हो पाया कि नहीं हो पाया तो ये बात नहीं की जाती आउटकम नहीं देखा जाता हमने बस सिर्फ देखा है कितना खर्चा किया गया तो बना होगा तो कि हम आउटले की बात तो ना करके हम आउटकम की बात करते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि हम जो दो सौ स्कूल बनाएंगे और हम एक लाख लोगों को जॉब दिलाएंगे क्या हो पाया नहीं हो पाया तो उसके लिए कुछ देखे ना कि आपने जो भी पैसा दिया था नहीं

पेंशन देंगे ठीक है तो इसके लिए जो ये क्या कर दिया गया फिर ये आउटकम कि ढूंढना है आपने सभी को क्या हमने सौ परसेंट अचीव किया कि नहीं किया ठीक है ओके देन जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे और भी जैसे एमबीबीएस सीट्स कि हमने इतनी एमबीबीएस सीट्स अचीव करनी है क्या हम कर पाए या नहीं कर पाए आउटकम पर ध्यान दिया जाएगा अब आप यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि वट इज़ अ गुड आउटकम टू फॉलो ठीक है कि एम बी बी एस सीट पर मैं ध्यान दूँ कि अच्छा हमने हज़ार खोल जो रखनी थी आई कि नहीं आई ठीक है एंड ओके या फिर नहीं सर ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा क्या हम एक काम करें कि एम बी बी एस सीट चाहे हज़ार हो चाहे पाँच हज़ार चाहे सौ हो हमारी लोगों की हेल्थ कैसी चल रही है उस पर ध्यान दें ठीक है एक्सेट्रा तो ना आउटकम क्या होगा ये तो डिबेट के बाद ही पता लगता है लेकिन आउटकम जब आ जाता है जब एक टारगेट आ जाता है तो उस पर जो जो देखना जज करना थोड़ा ईजी होता है एंड देन कि दिस इज़ दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम सौ 100 करोड़ हजार करोड़ खर्च कर दिया उससे बेटर स्टेप है आउटले कितना था आउटपुट एंड आउटकम में ठीक है ओके मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो ब्लू इकॉनमी आपको पता है कि हम सी के अगर आसपास देखें सी के अंदर देखें तो क्या

एडवाइजरी का जो काउंसिल होता है उसने कहा है कि नेशनल प्लेसर तो उसमें प्लेसर जो हमारे पास जो डिपॉजिट्स होते हैं जनरली ये जो हमारे सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं जो हमारे सी बेड में नीचे रहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स में भी हमारे पास एक नीचे एक ऐसी लेयर बन जाती है जहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ठीक है तो उनको क्या कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स ठीक है तो जहाँ पर हमारे पास ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के ज़माने में क्योंकि इनसे बनाई जाती हैं रेयर मेटल से क्या बनाई जाती हैं हमारी बैटरीज कोबाल्ट लिथियम एक्सेट्रा भी जो यूज होते हैं बैटरीज ये इनके डिपॉजिट्स यहां मिलते हैं तो भारत अगर इन पर काम करे तो बैटरीज की जो जो हम जो प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं बैटरी से फायदा क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स बनेंगे मोबाइल फोन्स गैजेट्स एंड अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रिक वहीिकल्स बनेंगे तो हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ भी जा सकते हैं ओके ठीक है तो इसीलिए इस पर काम करने की बात की गई है एंड देन अकॉर्डिंगली जो हमारे जो डीप सी माइनिंग है जो कोस्टल माइनिंग है उसको इंप्रूव करने की बात की गई है अकॉर्डिंगली न्यू रिन्यूबल एनर्जी पर भी ध्यान दिया जाएगा प्लेसड डिपॉजिट्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बताने की यहां पे कुछ थोड़ी कोशिश करी एंड देन then... वो कह रहे हैं कि भारत में जो कोस्टल या फिर ऑफशोर अगर हम जाके देखें थोड़ा सी के बीच में भारत में बहुत ज़्यादा प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं कौन से कौन से निकल यूरेनियम कॉपर थोरियम टाइटेनियम पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स एंड नोड्यूल्स ठीक है एंड देन बहुत सारी और चीज़ें तो इनको देख सकते हैं एंड देन उसके बाद हम जो सी हमारा जो सी कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन जो जो जोन है एंड ठीक है इसको लेकर भी एक्ट है कि हम अपने कोस्ट में क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उस पर अभी पाबंदी है कि हमें उस पर अभी क्या है कि प्लेसर

और स्कीम चल रही है जो एफ होते हैं आपको पता है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको फॉर्म करने के लिए सरकार पैसा दे रही थी उनको प्रमोट करने के लिए पैसा दे रही थी ठीक है तो इसीलिए उसका एक साल पूरा हो गया तो ये क्योंकि फार्मिंग को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो ये न्यूज़ थी तो देख कवर करते हैं एफ होते हैं बहुत सारे जैसे एफ में क्या होता है कि जो किसान खुद ही अपना एक संगठन बनाते हैं एक तरह से कंपनी बनाते हैं एंड वो कंपनी के जैसे थोड़े जैसे अगर थोड़े बहुत पचास साठ सौ किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी जैसे ऑपरेट करते हैं अपना सामान बेचने में आसानी होती है मार्केट करने में आसानी होती है ट्रेड नेगोशिएट करने में आसानी होती है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वाले किसानों को वो कह रहे हैं जो चाहते हैं प्रमोट करना सरकार ऑयल सीड्स वाले एंड एक्सेट्रा वैल्यू चेन डेवलपमेंट है ना तो इन सब चीजों को चाहते हैं डेवलप करना एफपीओ बनाएं किसान एंड खुद ही कंपनी जैसे ऑपरेट करें पैसा कमाएं ठीक है ठीके? तो एंड सरकार सीबीबीओ मतलब क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहती है प्रमोट करना अकॉर्डिंगली क्योंकि किसान अगर की जैसे एक्ट कर रहा है तो किसान को बहुत सारी हैंड होल्डिंग चाहिए होगी कभी कोई उधार चाहिए होगा एक्सेट्रा तो इसीलिए इनको अब सी को लाया जा रहा है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम एफ बनाने में हेल्प कर पाए ठीक है एंड एंड टू एंड नॉलेज दे पाएं अकॉर्डिंगली किसानों की इनकम भी बढ़े ओके देन दोस्तों यहां पर अगर बात करें पीएम कुसुम पीएम कुसुम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम थी क्योंकि हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे फार्म्स हैं उन फार्म्स पे पंप्स चलते हैं वो पंप बहुत सारे बिजली खाते हैं या फिर डीजल से चलते हैं ठीक है तो अब वो सरकार कह रही थी कि अगर इतने सारे अगर फार्म्स में पंप्स लगे हुए हैं और ये डीजल को अगर से चलते हैं तो हमारे देश के जो इन्वायरमेंट को नुकसान है डीजल की खपत बढ़ती है क्यों ना इनको सोलर से चलाया जाए ठीक है तो सरकार ने क्या

जनरेटर चला रहा किसी आगे पंप को वो कह रहे हैं कि आप डीजल ये जो पंप है इनको फेंकिए मत डीजल वाला जेन सेट हटाकर आप क्या कीजिए वहां पर जो सोलर का छोटा सा मिनी प्लांट लगा लीजिए ठीक है एक सोलर का प्लांट लगा लीजिए उससे बिजली बनेगी एंड वो बिजली जाकर ये पंप को चला देगी ठीक है तो इससे जो आपके एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उसको फेंकना नहीं पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली भारत सरकार का पैसा भी बचेगा फायदे की बात है ये ठीक है कि डीजल को ही हमने खपत को रोकना है जो बिजली की खपत को रोकना है तो सोलर से चला देते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं इसको फीडर फीडर मतलब कि बिजली कहां से आ रही है उसको बदलने की बात की जा रही है इंस्टेट की पूरा पंप ही बदल दें ठीक है तो इसीलिए भारत सरकार कह रही है कि इसको कॉम्पोनेंट सी का पार्ट था पहले वो इसको पीएम कुसुम में कॉम्पोनेंट सी कहते थे इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टेट सर्विसेज एग्जाम में पूछा भी गया कि व्हाट इज कॉम्पोनें सी कॉम्पोनेट सी में सरकार सब्सिडी देती थी कि आप अपने एग्जिस्टिंग जो आपका जो जो हमारे नॉर्मल ग्रिड पर लगा हुआ जो पंप था उसको हटा दीजिए सोलर पंप लगाइए ठीक है ठीके? तो अब सरकार कह रही है कि आपको पंप ना हटाइए आप एक छो, छोटा सा मिनी प्लांट लगा लीजिए सोलर का सरकार कहती है उसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे तीस हम देंगे सत्तर कौन देगा स्टेट देगी ठीक है जो स्टेट की कौन डिस्कॉम्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो देंगी एंड अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोन्स ले सकती हैं जो डिस्कॉम्स एंड स्टेट की नबार्ड से तो इससे बहुत दोनों को ही फायदा होगा एग्जिस्टिंग पंप्स का भी यूटिलाइजेशन होती रहेगी ओके देन दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कहता था कि सिक्सटी हमारे देश की रूरल जनता एंड जो थर्टी के आसपास हमारी देश की अर्बन जनता ठीक है तो जो भी मतलब जैसे भी है ना आप समझ सकते हैं बात को कि यहाँ पर इसको अगर हम देखें कि सरकार ने कहा था कि बहुत जैसे कि हमें कुछ अगर ओवरऑल देखा जाए कि हमें लोगों को खाना खिलाना है ठीक है जो बहुत ऐसे कुछ लोग हैं नॉट द नॉट टू द एंटायर पॉपुलेशन हमारे देश की कुछ जिनको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग जिसमें से कुछ रूरल में से होंगे एंड कुछ अर्बन में से होंगे उनको भारत सरकार चाह रही थी कि सस्ते दरों पर खाना या फिर अनाज अवेलेबल करवाना उसको अभी नीति आयोग कह रहा है कि उसको बदलना चाहिए ये जो सिक्सटी की रेशो है इसको बदल के फोर्टी टाइप कुछ कर देना चाहिए ठीक है एंड क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि दो का जो हमारा सेंसस था दो के सेंसस के हिसाब से अगर हम आज देखें दो आ गया तो हमारी आबादी बढ़ गई है आबादी बढ़ गई है अगर हम ये रेशो फॉलो करेंगे तो हमारे जो लोग हैं नौ करोड़ के आसपास लोग ऐड हो जाएंगे भारत सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव रहेगा एंड अकॉर्डिंगली इसको बदलने का वक्त आ गया है ठीक है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बदलने की बात की गई है एंड की रिडक्शन की जाए रूरल अर्बन कवरेज में ओके एनएफएसए में दोस्तों दो तरह की चीजें होती हैं एक तो होता है अंत्योदय अन्न योजना ठीक है एएवाई कहा जाता है जो कि भारत के सबसे सबसे जो जो हमारे पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो सिटीजंस हैं उनके लिए 35 किलो अनाज मिलता है पर मंथ ठीक है पूरे हाउसहोल्ड के लिए ठीक है 35 किलो अनाज एंड देन देन प्रायोरिटी हाउसहोल्ड होते हैं जहां जो कि एप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ लोग हैं जिसमें एप्रोक्सीमेटली एंड ठीक है यहाँ पर पाँच किलो हमें अनाज मिलता है जो अगर आपको तीन रुपए किलो के हिसाब से राइस दो रुपये किलो वीट एंड एक रुपये किलो कोर्स ग्रेन्स मैंने आपको भी बताया था कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सस्ते दरों पर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये रेट है थ्री टू वन वाला ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुके हैं ठीक है एंड देन एक तो हमारे पास हो गए अंत्योदय एक हो गए प्रायोर्टी हाउस होल्ड जो कि बहुत सारे लोग हैं सत्तर करोड़ के आसपास एंड देन जो प्रेगनेंट एंड लेटेटिंग मदर्स उनको छः महीने तक जो एक जो मिनिमम बेनिफिट मिलता है एंड देन उसके बाद जो अलाउंस मिलता है अगर मान लीजिए आपके वहां पर अनाज नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा एंड देन जो चौदह साल तक के बच्चों को मील्स देने का भी प्रावधान है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ठीक है अगर नहीं दिया जा रहा तो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है कि आपके ग्रीवांस को रिड्रेस किया जाए ओके okay. देन दोस्तों यहां पर अगर बात की जाती है कि जो हमारे अगर रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो रूरल अर्बन पॉपुलेशन में जो हमारे कहा गया था कि ओवरऑल देखें कि हमारे टोटल हमारी आबादी के सिक्सटी आबादी को अभी हम कवर करना चाह रहे थे ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा सब गिवन है वैसे एंड देन वो बोल रहे थे कि अगर अगर हम अभी अपनी आबादी को अगर हम बढ़ा दें जो दो से इक्कीस पे ले तो बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे इसलिए अभी इसको घटाना पड़ेगा सिक्सटी फोर्टी टाइप करना पड़ेगा ठीक है थी कि कवरेज को एंड देन अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज़ क्या आते हैं कि ना कि जो बहुत से लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे तो वो इसलिए अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ़ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि नीति आयोग कुछ ऑल्टरनेटिव मीनस ढूंढे कि जो अगर लोग कोई एक्सक्लूड होने शुरू हो गए कि हमने अगर अपनी कवरेज को सिक्सटी से घटा के सिक्सटी पर लेकर आए तो जो कुछ लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे बेनिफिशरीज़ उनको कैसे हम उन तक अन्न पहुँचाएँ तो उसकी बात की जाए पेंडेमिक यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एक कंसिड्रेशन है पेंडेमिक से बहुत से लोग हैं वेरेबल हो गए हैं उनकी जॉब चली गई हैं तो सरकार के एन एफ पर डिपेंड करके उनको अनाज मिल रहा है तो उनका क्या होगा बहुत दिक्कत हो सकती है एंड देन एक और सजेशन कि आप यहाँ पर क्या आता है सेंट्रल इशू प्राइस को हम जो रिवाइज कर सकते हैं वो प्राइस जिस पर सेंटर जो आप, आपको अनाज इशू करता है ठीक है एंड वो उसको जो जिस जिसपे अनाज मतलब तो प्रोक्योर किया जाता है बाई वेरियस अदर कंपनीज या विद अदर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं ताकि सेंटर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी हैवी ना देनी पड़े ठीक है एंड देन इसके पहले जो हमने शांता कुमार कमेटी भी कवर की हुई है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में शांता कुमार कमेटी दोस्तों बनाई गई थी ना जो जो हमारा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस सिस्टम है फूड प्रोक्योरमेंट है तो इन सबको रिवाइज करने पर कम, थी, तो शांता कुमार कमेटी ने, कि हमें जो हमारी जो कवरेज को 67 से कर, हमें फोर्टी पर ले आना चाहिए ओके क्या सकते हैं तो इसलिए जो नीति आयोग क्या कर सकता है नीति आयोग पहले एक्सटेंसिव एक सर्वे करे कि देखे कितने हाउसहोल्ड्स हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे फूड कौन से जो एनएफएसए द्वारा दिए जाते हैं और देन उसके ही कुछ लिया ब्लैंकेट ऐसे ही है कि इंसान एक -एक को वैक्सीन पहुंचानी है क्योंकि अछूता रह गया तो वो जो फैला सकता है बाकियों को ठीक है एंड देन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी इसीलिए वैक्सीन पहुंचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें भारत कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टेंपरेरी वेवर देना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्लिगेशन में मतलब कि जिसने भी वैक्सीन अगर इन्वेंट की थी ठीक है जो कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई ठीक है उसने वैक्सीन बनाकर उसको वो तो चाहेगी ना मेरी वैक्सीन अगर बिकेगी मुझे फायदा होगा तो भारत कह रहा है कि एक काम कीजिए अभी ना क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक एक सिचुएशन से दुनिया गुजर रही है वैक्सीन पर जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो आप रॉयल्टी कमाते हैं कंपनीज को कह रहे हैं या फिर तो कह रहे हैं उन कंपनीज को कहा जाए कि आप इस पर रॉयल्टी वगैरह नहीं मिलेगी आप जो भी वैक्सीन का फॉर्मूला है सबके साथ शेयर कीजिए

लेकिन इस पर अपोज़ किया गया लेकिन उसके बाद वो कंपनी जो ये जो अमीर देश है इनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप अपनी फैसिलिटी बढ़ा भी देंगे इसको बढ़ाने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा दुनिया में ठीक है क्योंकि पहुंचाना लॉजिस्टिक्स विल स्टिल बी अ प्रॉब्लम ठीक है तो भारत कह रहा है कि उसको तब देखेंगे ना एक बार एक बार बनाने बनाने तो दो हमें उसके बाद देखेंगे ऑलरेडी भारत कह रहा है कि हमने जो वैक्सीन मैत्री के अंदर पैंतीस कंट्रीज़ को हमने ऑलरेडी छत्तीस मिलियन लोगों को वैक्सीन के डोज पहुंचा दिए हैं थर्टी कंट्रीज और एड होने वाली हैं आने वाले दिनों में तो वो कह रहे हैं कि हमें मौका तो दो हमने इतनी जल्दी इतनी दुनिया तक पहुंचा दिया आपने डेफिनेटली आपने इन्वेंट की वैक्सीन लेकिन दुनिया में अगर सब तक पहुंचे ही नहीं तो फायदा क्या इन्वेंशन का अगर लोग आज भी ग्रस्त होते रहे मरते रहे तो फायदा नहीं होगा इसलिए भारत कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं हम अगर आप ये टेम्प्रेरी वेवर दे दें हमें किस में ट्रिप्स में ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ओके तो यहां पर बात चल रही है सी एंड देन दोस्तों आखिरी यहाँ पर न्यूज है जीएसटी में शामिल करने की बात हो रही है फ्यूल को तो वो कह रहे हैं इससे फायदा होगा वो कह रहे हैं देखो अभी होता क्या अभी हमारे फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसमें सेंटर टैक्स लगा देता है उसमें स्टेट टैक्स लगा देता है वो कह रहे हैं अगर जीएसटी में शामिल होता

एग्जाम में दोस्तों वही यही है कि जो हमारे इंटरनेशनल जो क्रूड की प्राइसेस हैं उस पर डिपेंड नहीं करता एज सच जो हमारा प्राइस होता है फ्यूल का ये किस पर डिपेंड करता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल की फ्यूल मतलब जो पेट्रोल एंड डीजल की क्या कीमत चल रही है उस पर डिपेंड करता है ठीक है क्योंकि क्रूड की कीमत तो डिफरेंट रहेगी ना क्रूड तो कच्चा तेल है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है पेट्रोल एंड डीजल तो इसलिए भारत टी लगाता है ट्रेड पैरिटी प्राइस दैट मीन्स एज्यूम किया जाता है कि अस्सी हमारा जो फ्यूल है वो इम्पोर्टेड है बीस ही हमारा जो एक्सपोर्टेड है ठीक है तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अस्सी परसेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल या डीजल की प्राइस चल रही है वो रखेंगे 20 परसेंट रखेंगे हमारे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस वो एक टीपीपी निकल के आती है डॉलर्स में उसके बाद उसको रुपी में कन्वर्ट किया जाता है उसमें जो हमारे जो डीलर्स के कमीशन ऑयल कंपनी के मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रखे जाते हैं उसके बाद स्टेट्स एंड जो सेंटर अपनी एक्साइज ड्यूटी एडिशनल जो ड्यूटी लगाकर लगा जो सेल्स टैक्स लगाता हमारा जो वैट लगा देता है हमारा स्टेट्स उसके बाद ही हमें तेल मिलता है बहुत ज्यादा महंगा ठीक दोस्तों तो महंगे तेल के फायदे भी हैं बहुत सारे वैसे कि अब महंगा तेल जितना जा, ज़्यादा हो जाएगा उतना लोग कम तेल यूज करेंगे तो इनवायरमेंट भी बचेगा ठीक है ये फ़ायदा भी है लेकिन तब बचेगा कि अगर हमारी इकॉनमी रुक गई तो दो तो हमारी बहुत सारी जो जॉब्स के लॉसिस होंगे तो हमारे जो देश में भूखमरी भी हो सकती है तो जो ऑयल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सस्टेनिंग आवर इकॉनमी स्टिल ठीक है दोस्तों तो इसीलिए इस जो सरकार थोड़ा जो बहुत ही ट्रिकी एक ग्राउंड पर है लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है तो लेकिन यहां पर जीएसटी में लाने की बात की गई तो ये दोस्तों यही था हमारे बहुत सारी न्यूज इकोनॉमी की आज जैसे अब बहुत सारे प्री क्योर इकट्ठे कवर होते हैं तो इसलिए बहुत सारे लंबे सेशन हो जाते हैं तो आई विल नॉट टेक मच टाइम तो चलते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द बाय दोस्तों टेक केयर